हाय, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक कंप्लीट सॉल्यूशन अबाउट इन ईएसपी डॉट नेट टू डिज़ाइन अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो ये कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी मेरे पास में कि सर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के दिखाओ। तो हम लोग आज करने जा रहे हैं ईएसपी डॉट नेट यूजिंग सी शार्प लैंग्वेज और बैक एंड यूज़ करेंगे एमएस एसक्यूएल सर्वर। तो हम लोग एक छोटा सा ई कार्ड टाइप का एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिसके अंदर में एक हम क्रड ऑपरेशन भी बनाएंगे, उसमें लॉगिन भी बनाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड का भी करेंगे और हम एडमिन पैनल से एक प्रोडक्ट को ऐड भी कराते हैं और अपना पर्सनलाइज पेज पे हम लोग प्रोडक्ट को लिस्टिंग भी कराते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक अपना डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसके लिए मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है। एसक्यूएल सर्वर में पहले मैं डेटा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस ईकॉम अंडरस्कोर डीबी इज द नेम ऑफ डेटाबेस। मेक श्योर कि इस नाम से कोई डेटाबेस पहले नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास एरर शो करेगा। आप इसे एग्जीक्यूट कराते हो, देखो नीचे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। जब आप इसे रन कराते हो तब ये जब क्रिएट हो जाता है तो ये कहाँ पे क्रिएट होता है, सी ड्राइव के अंदर में जो आपका जहाँ पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है वहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ इसके साथ साथ हमारे पास दो फाइलें क्रिएट होती हैं, एक होती है एमडीएफ फाइल और एक होती है एलडीएफ फाइल। अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आप यहाँ से सी ड्राइव ओपन करोगे, सी ड्राइव के अंदर में प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर के अंदर में जो आपके एसक्यूएल सर्वर का नेम है उसके अंदर में जाओगे तो एक डेटा नाम का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर में जो आपने अभी भी बनाया है, देखो ये आ गया ना, दिस इज़ एमडीएफ और दिस इज़ एलडीएफ, ये दो फाइलें क्रिएट होती हैं। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी होते हैं कि अगर आप जो भी सपोज़ कर लो आप डेटा का बैकअप लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंटायर एसक्यूएल सर्वर के अंदर में जितने टेबल्स बने हुए हैं वो सारे टेबल्स मेरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से इस फाइल को कॉपी कर सकते हो और यहाँ से कॉपी करके आप जिस भी डेस्टिनेशन पे पेस्ट करोगे और वहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो आपका डेटाबेस वहाँ पे आपको प्रॉपर उसी वैल्यू के साथ मिल जाया करेगा। राइट, तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस। बट अभी हमने डेटाबेस के अंदर में क्या किया है, हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं की है। तो हम लोग अब सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ टेबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि हमारे अपने एप्लीकेशन को मेंटेन करेगा। तो उसमें सबसे पहला टेबल हमारा है क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से हम टेबल बनाते हैं जिसके अंदर में हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी इंटीजर टाइप का ले लिया, हमने प्राइमरी की, फिर हमने ले लिया पी नेम प्रोडक्ट नेम के लिए और इसके लिए हम लोगों ने लिया वेयर कैर और इसका साइज हम लोगों ने ले लिया 25। नाउ प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी तो पी कॉस्ट ले लेते हैं, इंटीजर टाइप। प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए अपने को क्यू टी वाई, इंटीजर टाइप ले लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट होगा ना उसका एक यू आर एल सेव हो, तो प्रोडक्ट यू आर एल ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसके बीच में अंडरस्कोर यूज़ करो ताकि आपको एक पता चल जाए कि ये क्या है। वैसे आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हो, जिस हिसाब से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप यहाँ पे उसके कॉलम को डिफाइन कर सकते हो। राइट, यू आर एल के अंदर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वेयर केयर और साइज इसका हम लोग यहाँ पे मैक्स ले लेते हैं, जितना आएगा डेटा जितने डेटा के अकॉर्डिंगली वो क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, और भी जैसे मान लो अपना वाइड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो वाइड के अंदर में आप इसके अंदर में और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। हम एक कॉलम और यहाँ पे रख लेते हैं प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी रख लेते हैं। कैटेगरी से ये होगा कि हम लोग कैटेगरी वाइज किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग सर्च करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका साइज दे दिया 20। ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी होती हैं, आप चाहो तो कि प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाए,
या कभी कभी क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट के अंदर में बहुत सारे इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो एक अब इसमें क्या करोगे, इसमें इस प्रोडक्ट के अंदर में तो एक ही इमेज का यूआरएल स्टोर होगा। आप चाहते हो कि बहुत सारे इमेजेस के यूआरएल स्टोर हो जाएं, लाइक आप चाहते हो कि आप एक प्रोडक्ट है जैसे अमेजोन व फ्लिपकार्ट पे देखते हो, तो उसका हर व्यू से एक इमेज होती है, यानी कि एक प्रोडक्ट के 5 से 6 इमेजेस होती हैं, तो वो कैसे स्टोर होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक आपको एक इमेज प्रोडक्ट इमेज के नाम से एक अलग से टेबल क्रिएट करोगे, जिसमें उसका एक आईडी, एक प्राइमरी की बनाओगे, और इसको यहाँ पे फॉरेन की बना के वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस स्टोर करा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना, मैं आपको इसको बता दूंगा कैसे करेंगे। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बिफोर एग्जीक्यूशन मेक श्योर कि देखो आपका डेटाबेस कौन सा चल रहा है। यहाँ पे डेटाबेस मास्टर है, दैट मीन्स अगर मैं अभी इसे एग्जीक्यूट कराऊँगा तो ये मेरा टेबल जो है मास्टर में जाके क्रिएट हो जाएगा, मास्टर डेटाबेस में। तो मुझे किस में कराना है, मुझे ई कॉम में कराना है। तो ई कॉम में हमने एग्जीक्यूट करा लिया इसे, हाँ ऑलरेडी करा लिया, इसी वजह से यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है दिस डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने नेक्स्ट कमांड यहाँ लिखना है, यूज़ ई कॉम अंडर स्कोर डी बी, राइट, सेलेक्ट द लाइन, प्रेस F5 और एग्जीक्यूट दिस बटन। सी आर डेटाबेस नेम हैज़ बीन चेंज्ड, ई कॉम अंडर स्कोर डी बी। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई टेबल, नाउ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। नाउ ये मेरा पहला टेबल हो गया है, अब मैं दूसरा टेबल ही क्रिएट करने जा रहा हूँ एडमिन का। तो मैंने एक लिए क्रिएट टेबल किया, क्रिएट टेबल एडमिन, और एडमिन के अंदर में मैं एक लेता हूँ कॉलम ईमेल आईडी, जो कि मैं वैर कर ले रहा हूँ। साइज़ ईमेल का मैंने 35 ले लिया, और मैं चाहता हूँ ईमेल जो है वो एज अ प्राइमरी की मेंटेन हो। और दूसरा कॉलम मैं लेता हूँ पासवर्ड का, जो कि वैरकेर है, साइज़ मैंने इसका ले लिया 15। ये सेकंड टेबल है, इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए मैं क्या करूँगा, F5 पे क्लिक करूँगा, F5 पे क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। दो टेबल मेरे क्रिएट हो चुके हैं। ये मैंने क्यों लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के लिए लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में हम क्या बनाना होगा, इसका एक क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटर अपने पैनल से लॉग इन करे और प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, राइट। यहाँ तक तो हमारा ये दो काम हो गया। अब मैं कस्टमर के लिए भी बनाना चाहता हूँ, तो कस्टमर के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर का एक अलग से टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल कस्टमर। कस्टमर के अंदर में इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईमेल आई, कस्टमर का ईमेल कस्टमर आईडी लेते हैं, कस्ट अंडरस्कोर आईडी, कस्टमर आईडी, जो कि मैं वैरकर ले लेता हूँ, इंट ले लेता हूँ मैं, इंटीजर टाइप प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा कॉलम ले लिया मैंने कस्टमर नेम, वैरकर साइज इसका हम ले लेते हैं नेम में 20, और कस्टमर का एड्रेस चाहिए मुझे, इसमें शिपिंग कराएंगे हम लोग, वेयर कैर ले लेते हैं, और इसका साइज़ भी हम ले लेते हैं लाइक 50 एड्रेस है। और कस्टमर का मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए। ईमेल आईडी पे मैं यहाँ पे चाहूँगा कि उसको, जैसे मैं कोई भी आइटम परचेस करता है तो उसको ईमेल चली जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे 35 ले लेते हैं। ईमेल के बाद मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर भी चाहता हूँ, मोबाइल ले लेते हैं, जिसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं वैर कर ले लेते हैं, क्योंकि ईमेल के मोबाइल के अंदर में +91 भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में एक टेबल हो गया कस्टमर का, इसे मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, इसे मैंने यहाँ एग्जीक्यूट करा दिया। तो सॉरी
यहाँ से मैंने इसे कंपाइल करा दी। अब ये देखो यहाँ क्रिएट हो चुका है, तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ अब हम फ्रंट एंड को भी डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे, मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूँ कुछ विजुअल स्टूडियो ASP.NET के बारे में एंड विजुअल स्टूडियो के बारे में। तो बेसिकली विजुअल स्टूडियो क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के थ्रू आप मल्टीपल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। यानी कि इस विजुअल स्टूडियो के अंदर में इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, इफ़ यू वांट टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट्स, यू वांट टू क्रिएट विंडोज़ एप्लीकेशन, WCF एप्लीकेशन, WPF एप्लीकेशन, वेब APIs एप्लीकेशन, एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन यू कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ सिंगल लैंग्वेज। यानी कि आप अभी तक हम लोग ये जानते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में हम किसी एक तरह के एप्लीकेशन को ही डेवलप कर सकते हैं, राइट ना? लाइक आप सी की बात करते हो तो इन सी यू कैन डेवलप ओनली कंसोल एप्लीकेशन, इन C++ यू कैन डेवलप ओनली कंसोल एप्लीकेशन, राइट? इन JSP यू कैन डेवलप ओनली वेब एप्लीकेशन, इन जावा यू कैन डेवलप विंडोज़ एप्लीकेशन एंड यू कैन क्रिएट कंसोल एप्लीकेशन। तो क्या होता है, हमारे पास में लैंग्वेजेस के साथ में एक सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, लैंग्वेज इज़ डिपेंडेंट ऑन आर कंपाइलर, द कंपाइलर कंपाइल ओनली अ सिंगल लैंग्वेज जिस जो आप लिख रहे हो। यानी कि अगर टर्बो सी की बात करते हो तो टर्बो सी सिर्फ क्या करेगा, सी लैंग्वेज को ही कंपाइल करेगा। टर्बो सी प्लस प्लस क्या करेगा, सी प्लस प्लस को कंपाइल करेगा। यानी कि हमारा जो लैंग्वेज है वो डिपेंडेंट है कंपाइलर पे, और कंपाइलर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसका जो आउटपुट है वो एक ही है। यानी कि हाँ, अगर हमें सपोज़ कर लो वेबसाइट बनाना सीखना है, तो मैं यहाँ पे ASP सीखूँगा या मैं JSP सीखूँगा तब मैं वेबसाइट बनाऊँगा, राइट? यानी कि JSP एक लैंग्वेज है, ASP एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, राइट? PHP एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ में अगर मुझे PHP आती है और कोई मुझसे कहता है कि आपको विंडोज़ एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं कहूँगा सॉरी आई कॉन्ट डू दिस इन दिस लैंग्वेज बिकॉज माई लैंग्वेज ओनली क्रिएट वेबसाइट। तो वहाँ पे एक मेरे लिए एक लिमिटेशन हो गई, प्लस क्योंकि हमें मेरा लैंग्वेज भी वो प्रोवाइड नहीं करता है। वैसे ही अगर मैं C++ जानता हूँ, सी जानता हूँ, तो मैं सिर्फ कंसोल बना पाऊँगा, मैं वहाँ पे वेबसाइट नहीं बना सकता, मैं वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकता, और ना ही मैं वहाँ पे किसी तरह के विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन अगर इन सब को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ही इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था सन 2000 में, यानी कि 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च करी और उस टेक्नोलॉजी का नाम उसने रखा विजुअल स्टूडियो .NET। विजुअल का मतलब होता है ग्राफिकली, जो विजुअलाइज हो सके, जो अनविजुअलाइज था उसको विजुअलाइज उन्होंने किया। स्टूडियो का मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन, लाइक CD स्टूडियो, बुक स्टूडियोज, है ना। डॉट इज़ अ इंटीग्रेटर, लाइक www डॉट, तो क्या कर रहा है डॉट, क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। किससे ज्वाइन करता है, ये नेटवर्क को, नेटवर्क से ज्वाइन कर रहा है। यानी कि यू कैन क्रिएट अ ग्राफिकल टाइप एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन कैन बी कनेक्टेड विथ नेटवर्क, दिस इज़ कॉल्ड विजुअल स्टूडियो .NET, राइट? तो इसका सबसे बड़ा इन्होंने एडवांटेज क्या दिया कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं करी। विजुअल स्टूडियो इज़ नॉट अ लैंग्वेज, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि इफ़ यू नो अ सिंगल लैंग्वेज अमॉन्ग 109 लैंग्वेजेस, द प्लेटफॉर्म हैज़ 109 लैंग्वेजेस, कलेक्शन ऑफ 109 लैंग्वेजेस, इफ़ यू नो अ सिंगल लैंग्वेज अमॉन्ग दीज लैंग्वेजेस यू कैन डेवलप एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो देखो इस प्लेटफॉर्म के अंदर में अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो क्रिएट के बाद देखो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं मेरे पास। अब जब हम प्राइमरी लेवल पे इसको आप इंस्टॉल करते हो तो आपके पास कुछ बेसिक लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे C#, C++, F#, JavaScript, Python, क्वेरी लैंग्वेज, TypeScript, विजुअल बेसिक एंड XML जो लैंग्वेज है, जो बेसिकली XML के थ्रू ही आया है, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। विजुअल बेसिक हमारा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग
जिसके थ्रू हम लोग सिर्फ विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि एक प्राइमरी लैंग्वेज के लिए उन्होंने ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे है ऑल प्लेटफॉर्म। ऑल प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। यानी कि पहले क्या था हमारे पास में, पहले हम जैसे हम विजुअल बेसिक में बनाते थे तो विजुअल बेसिक में सिर्फ हम लोग विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए ही बना सकते थे। यहाँ पर मतलब अगर हम चाहेंगे विजुअल बेसिक के साथ में कि मैं एक लाइक लाइनक्स टाइप का एप्लीकेशन या iOS टाइप का एप्लीकेशन डेवलप करूँ या एक्सबॉक्स टाइप का, तो वह मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल लैंग्वेज, अगर मैं सी यहाँ पे सी शार्प सेलेक्ट करता हूँ तो वी कैन डेवलप एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन इन सी शार्प। बट पहले क्या था कि सी शार्प में हम सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन डेवलप कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सी शार्प के थ्रू मैं किसी भी तरह के यानी कि एक गेम टाइप का एप्लीकेशन भी बना सकता हूँ, विंडोज़ भी बना सकता हूँ, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, iOS, अज्योर, एंड्रॉयड मीन्स लाइक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हो यहाँ पे, इसके थ्रू सी शार्प के थ्रू एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी डेवलप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो आपके पास में ऑल टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस आपके पास आ गए, सारे इंटरफेसेस के लिए आप बना सकते हो। तो देखा जाए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जिसके थ्रू आप बहुत वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ASP.NET web.NET फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अब यहाँ पे अगर आपके पास मेल को ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम अगर आप खोलते हो तो यहाँ पे ASP.NET web को एक बार आप सेलेक्ट कर लोगे तो इस तरह से देखोगे यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे कोर आ रहा है, कोर एक एडवांस फीचर है इसका, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा आई थिंक नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ देखो ASP.NET web application .NET framework ये आपको सेलेक्ट करना है। और इसकी कैपेबिलिटीज़ आप देखो कि अगर आप सी शार्प में लैंग्वेज सी शार्प के थ्रू बनाते हो तो यू कैन डेवलप विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हो, क्लाउड के लिए और वेब के लिए बना सकते हो। तो अब इस पार्ट को सेलेक्ट करो, लेकिन अगर आप इसी में कोर को सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे इस तरह के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो जिसके अंदर में आप लाइनक्स में लाइनक्स, मैक, विंडोज़, क्लाउड सर्विसेज वगैरह सारे एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या करना है, ASP.NET web.NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम देते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे दिया कंप्लीट क्रड इन ASP.NET, ठीक है, ASP.NET ये मैंने एक एप्लीकेशन का नेम दे दिया और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास वेराइटीज़ ऑप्शंस हैं कि क्या मैं MVC बनाऊँगा, क्या मैं वेब API बनाने जा रहा हूँ, क्या मैं सिंगल पेज बनाना, लेकिन मुझे क्या बनाना है, वेब फॉर्म बनाना है। तो मैं वेब फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरा इंटायर प्रोजेक्ट जो जिसका नाम है कंप्लीट क्रड इन ASP.NET, तो वो अभी सारे रिसोर्सेज के साथ में लोड हो रहा है। जो भी प्राइमरी लेवल पे हम लोगों ने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया है उसकी जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो जो DLLs होंगे और उसके जितने भी आपके नेम स्पेसेस हैं वो सारे लोड हो गए। अब ये देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड IDE। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ASP.NET आपको क्या देता है, अब ASP.NET क्या है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि आपको सी शार्प लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तो ASP.NET क्या है, तो ASP.NET इज़ अ टेक्नोलॉजी। ASP स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेजेस, राइट, एक्टिव सर्वर पेजेस। इट इज़ अ वेब टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन वेब पेजेस। वेब पेजेस को बनाने के लिए एक वेब टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दी है। अगर आपको वेब पेजेस नहीं बनाने हैं तो आप विंडोज़ लोगे तो विंडोज़ एप्लीकेशन आ जाएगा, लैंग्वेज आपका वही सेम रहेगा सी शार्प। अगर आपको विंडोज़ भी नहीं बनाना है तो आप कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे जिसमें अब वेब पेजेस नहीं, उसमें विंडोज़ पेजेस नहीं होंगे, उसमें सिर्फ क्या होगा, एक कंसोल पेजेस होगा, कंसोल फॉर्म होगा जहाँ पर आप उसकी कोडिंग करोगे, दैट्स इट। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों ने ASP.NET की वजह से यह मिला आपको IDE एनवायरनमेंट मिला, जिसमें आपको देखो मेन्यूज़ बार हैं आपके पास, प्रॉपर्टीज़ विंडो हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, आप चाहो तो यहाँ पे गिट पे भी आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हो, आपके पास टीम एक्सप्लोरर है, आप टीम पे भी वर्क कर सकते हो, आपके पास सर्वर एक्सप्लोरर है,
आपके पास टूल बॉक्स है, तो दीज आर द आई कॉम्पोनेंट्स ऑफ आई डी ई। अभी क्या है, हमारे पास कुछ भी ओपन नहीं है। इनिशियली मैं आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करके दिखाता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, एक ऐसा विंडो है जहाँ पे आपके सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन मीन्स अ प्रॉब्लम अबाउट, सॉरी सोल्यूशन अबाउट अ प्रॉब्लम, राइट। अगर मैं कोई लाइक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा हूँ तो एक मैं सोल्यूशन तैयार कर रहा हूँ उस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई थी कि मेरे दिमाग में एक सोल्यूशन आया कि वाई नॉट वी क्रिएट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट मैनेजेस दिस टाइप ऑफ वर्क। तो क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे उसका जो जो भी आप बनाते हो तो उसका जो लाइक उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, उसके जितने फाइल्स होंगे, उसमें फोल्डर्स होंगे, उसका एक सोल्यूशन का नाम होगा। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर नाम से एक विंडो यहाँ पे होती है जो कि IDE का ही पार्ट होता है, जो कि ASP.NET प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले आपका सोल्यूशन का नाम होगा। देखो, दिस इज़ अ नेम ऑफ आर सोल्यूशन कम्प्लीट क्रड इन ASP.NET। और उसके बाद इसके रिसोर्सेज हैं, यानी कि ये जो फाइल्स आपको दिख रही हैं, ये आप एक तरह से देखा जाए तो ये वाला जो है अभी आप लोकल होस्ट पे बना रहे हो, लेकिन जैसे ही इसको आप सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो ये कहाँ, ये जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं ये कहाँ चले जाएंगे, ये आपके सर्वर पे चले जाएंगे, राइट। तो अगर आप देखो इसमें ऐसे, मैं अभी अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया इसके अंदर, मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखो आपके पास में जितने भी आपके पास में होंगे वेब ब्राउज़र, जितने भी आपके पास में होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर में से आप रन करा सकते हो। जैसे मैं गूगल क्रोम में चाहता हूँ तो मैंने गूगल क्रोम में रन कराया। तो इनिशियली क्या है, जैसे मैंने इसे रन कराया तो इसके अंदर में कुछ फाइल्स हैं जो कि पहले से बनी हुई हैं, वो फाइल्स यहाँ पे आपको दिखेंगी अभी। और जैसे कि आपका डिफ़ॉल्ट पेज, जैसे जिसको हम होम के नाम से जानते हैं, उसके बाद एक अबाउट होता है और एक होता है कॉन्टैक्ट। तो ये जो पेजेस हैं ये ऑलरेडी बने हुए आपको मिलते हैं इसमें। और आप यहाँ पे देखोगे आपको सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक लोकल होस्ट दिख रहा है। लोकल होस्ट मतलब क्या कि ये जब हम जो हम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं ना, ये लोकली अभी हम डेवलप कर रहे हैं। जब इसको हम डेवलप कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, FTP के थ्रू उसको ग्लोबली होस्ट करेंगे सर्वर पे। तो उसको हम लोग कहेंगे HTTP होस्टिंग। तो नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देखो ये पेज मेरे पास, ये एप्लीकेशन डेवलप हो गया और यहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है, ये SSL सर्टिफिकेट इनेबल्ड है इसके अंदर में लोकल होस्ट के लिए। ये एक अबाउट का पेज है, ये कॉन्टैक्ट का पेज है। अभी तक हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं बनाया, बट यहाँ पे मास्टर पेज के थ्रू ये तीनों पेजेस हमारे बने हुए हैं, राइट। तो अब मैं देखो यहाँ पे इसे क्लोज करो और इस प्रोग्राम को स्टॉप कर लिया हम लोग, क्लोज करते ब्राउज़र, क्लोज करते आपका स्टॉप हो जाता है। ये देखो कि एक मास्टर पेज है, इसका नाम है साइट मास्टर। और साइट मास्टर के साथ साथ आप देखो यहाँ पे तीन पेजेस आपके बने हुए हैं, एक डिफ़ॉल्ट के नाम से, एक कॉन्टैक्ट के नाम से और एक अबाउट के नाम से। यानी कि जो ये एक मास्टर पेज बना है, इस लेआउट के थ्रू ये तीन पेजेस बने हुए हैं। अगर आपको चौथा पेज बनाना है तो आप इसमें ही ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इन सब पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। अगर ये अगर आपको ये नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मास्टर पेज क्या होता है और कंटेंट पेज क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने मेन वर्क पे फोकस करते हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें हमारा एक क्रड ऑपरेशन मुझे परफॉर्म कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, वेब कन्फिग फाइल में जाते हैं हम, और कनेक्टिविटी हम लोग वेब कन्फिग फाइल में कराते हैं। देखो वेब कन्फिग फाइल को हम लोगों ने ओपन कर लिया, इसमें जाएंगे सबसे नीचे, और जाने के बाद यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन टैग है उसके अंदर एक टैग हम लोग बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे कनेक्शन टैग बनाएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक नेम, और नेम में हम लोगों ने उसका नाम रख लिया माइकॉन। और इसके अंदर हम लोग एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग तीन पैरामीटर्स पास करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेटा सोर्स, मतलब कि सर्वर का नाम। उसके बाद हम लोग लेंगे डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम लोगों ने लिया था ecom_db। और उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर इसमें जाएगा उसका नाम है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और साथ में हम इसमें प्रोवाइडर का नेम भी हम यहाँ पे डालते हैं, प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू सिस्टम, प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है।
अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखो ये हम लोगों ने असाइन कर दिया है एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहाँ डेटा सोर्स में मैंने सर्वर का नाम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपने सर्वर में जाऊँगा और वहाँ से मैं अपने डेटाबेस का सर्वर का नाम कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे अब मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले क्या आया आपके पास में, नेम आपने स्पेसिफाई किया माइकॉन कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग में आपने पास किया डेटा सोर्स सर्वर का नेम, फिर डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे पास किया है ecom_db जो आपके डेटाबेस का नाम है, दिस इज़ ecom_db, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने पास किया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, इसका मतलब है कि जब आप यहाँ से आप लॉगिन करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, जहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, या फिर हम लोग इसको हम लोग SSPIB बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आपकी अगर ट्रू नहीं होती तो ये क्या होता, सर्वर ऑथेंटिकेशन होता, जिसमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होता। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते, अगर वो सर्वर होता तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिखते हैं यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोवाइडर का नेम आ जाएगा जो कि एसक्यूएल क्लास से हम लोग कनेक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया, इसे आप यहाँ पे सेव कर लो, जो कि वेब कॉन्फ़िग में आपने कर लिया है, आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हो फिलहाल के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले तो कनेक्शन को भी, कनेक्शन तो मैंने इस्टेब्लिश्ड वहाँ पे किया बट अपने कनेक्शन को कॉल नहीं किया है, तो कनेक्शन को मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक लॉगिन के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं वेबसाइट में जाता हूँ, सॉरी प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करते हैं। अब इस आइटम के अंदर में मैं वेब फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, वेब फॉर्म का नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो एडमिन लॉगिन डॉट ASP.ex के नाम से एक पेज आ जाएगा आपके पास, देखो ये आ गया। अब मैं इस पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करूँ, तो डिज़ाइन पे जाता हूँ मैं, डिज़ाइन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, मैंने इसमें 3 रोज ले लिए, ठीक है, 4 रोज ले लिए और मैंने 3 कॉलम्स ले लिए, ओके कर दिया। ये मेरा एक टेबल है, इस टेबल को मैं अपने हिसाब से रीसाइज करता हूँ और इसे मैंने सेंटर में क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया। अब मैं सबसे फर्स्ट वाले डेस्क पे जा रहा हूँ, TD में गया और मैंने कर्सर का पॉइंटर अपने आप मूव किया लेफ़्ट को और एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, BR यूज़ हो रहा है, BR मतलब ब्रेक रो, ठीक है, रो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। आप सोल्यूशन में जाके देख सकते हो, सोर्स में देखो यहाँ पे BR यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, टेबल लिया, टेबल से पहले BR यूज़ कर, ताकि मेरा टेबल जो है वो सेंटर ऑफ स्क्रीन में आ जाए, इस वजह से किया है ये काम मैंने। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो को मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो जो है ना वो मर्ज हो जाए, मैंने तीनों रो को सेलेक्ट किया, मॉडिफाई में आके इसमें मैंने मर्ज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लॉगिन पैनल और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ, मैं इसे बोल्ड करता हूँ और मैं इसका कलर अगर चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको लगता है कि आप इसका साइज़ इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को पेज डिज़ाइन करना है एज़ पर द टेबल। तो मैंने जो बनाया था यहाँ पे एडमिन, जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस मैंने यहाँ पे क्या किया, ईमेल आईडी सेकेंड कॉलम है पासवर्ड, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो आप आओगे टूल बॉक्स मेरा, मैंने आपको बताया था IDE का पार्ट है ASP.NET IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया और उसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेने के साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रखा और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने प्लेस करा दी। सेम मैंने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी इंक्लूड करा दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन ले रहा हूँ जिसमें मैं बटन के कोडिंग करूँगा, बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ मैं, बटन का जो टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया लॉगिन और बटन की जो आईडी थी मैंने यहाँ पे कर दी BTN
btn underscore login, ठीक है। और एक मैं चाहता हूँ रीसेट के लिए भी आ जाए, तो एक और मैं बटन ले लेता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे btn underscore reset, और बटन का जो टेक्स्ट था उसको भी मैं करता हूँ रीसेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में मुझे यहाँ पे असाइन करना है txt email, ठीक है, ताकि मैं जब इसे कोडिंग के टाइम पे कॉल करूँ तो मुझे पता रहे कि टेक्स्ट बॉक्स वन और टेक्स्ट बॉक्स टू क्या है। pwd मैंने इसका नाम कर दिया, txt pwd, ठीक है। आपको टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि टेक्स्ट में तो जो आप डालोगे वो रन टाइम पे डालोगे, ठीक है। ये मैंने पेज डिज़ाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद क्या खुले, इसके बाद एक एडमिन होम खुले, तो यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम। अब मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ ऐड, या तो एक काम करते हैं एडमिन होम के लिए ना, हम लोग यहाँ पे इस वाले पेज को कॉल कर देते हैं और उसके अंदर हम एडमिन होम बना लेंगे, यानी डिफ़ॉल्ट को हम लोग होम रख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट पेज को हम लोग होम बना लेंगे और वहाँ से हम लोग वहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे करेंगे। इसमें ये पेज डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन होने के बाद आप लॉगिन पे डबल क्लिक करोगे टू राइट टू वेरीफाई यूज़र आईडी पासवर्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल। तो यहाँ मुझे एक इंसर्ट कराना होगा, एक वैल्यू मुझे इंसर्ट करानी होगी जिसके थ्रू मैं उसको वेरीफाई करा पाऊँ। तो इंसर्ट इनटू एडमिन एंड वैल्यूज़ में मैंने कुछ भी ले लिया, a@gmail.com इज़ अ आईडी एंड द पासवर्ड इज़ 123 मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने इसे एग्जीक्यूट करा दिया, वन रो अफेक्टेड आ गया, मतलब इस टेबल में एक डेटाबेस, इस डेटाबेस के इस टेबल में एक वैल्यू मेरी इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं लॉगिन पे डबल क्लिक करता हूँ, देखो लॉगिन मेथड आ गया, इसका लॉगिन का मेथड आ गया। अब ये मेरी पूरी क्लास है जिसके अंदर में एक पेज लोड मेथड है और एक btn का लॉगिन मेथड है। अब मैं सबसे पहले कनेक्शन मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे कनेक्शन के लिए कुछ नेम स्पेसेस कॉल करने होंगे, तो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट sql क्लाइंट में कॉल करता हूँ, क्योंकि sql कनेक्शन को कॉल कराना होगा मुझे। और कनेक्शन मुझे कहाँ से कॉल करना है, तो मुझे करना है कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, दो नेम स्पेसेस हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं, मुझे कनेक्शन की कोडिंग को स्पेसिफाई कराना है जो मैंने वेब कॉन्फ़िग में लिखी हुई है। तो मैं यहाँ पे पब्लिक भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्राइवेट भी ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहीं सिर्फ यूज़ करना है तो मैं प्राइवेट ले सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं और भी यूज़ करूँगा तो चलो अभी पब्लिक लेते हैं। पब्लिक SQL कनेक्शन, SQL कनेक्शन क्या है, क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, कौन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। तो SQL कनेक्शन जो है वो कहाँ से आया है, ऊपर मैंने जो नेम स्पेस कॉल किया ना, उसी की वजह से ये SQL कनेक्शन क्लास हम लोगों ने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये क्लास है जिसका एक दूसरा क्लास है जिसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो क्लास है वो ये है वेब कॉन्फ़िग, और उसके अंदर में जो हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिखा था कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है, यानी इस क्लास के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास के अंदर में क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके अंदर में मैं जो पैरामीटर्स मैंने नेम पास किया था वहाँ पे, उसको मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है, जिसका नाम है माई कॉन। माई कॉन मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने ऐड नेम किया था, ऐड किया था, है ना यहाँ पे। तो ये आ गया आप तुम्हारा यहाँ, तो इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करूँगा, तो मैं लिखूँगा इसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जब ये कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन क्या होगा, इसके किस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, कॉन ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। कॉन इज़ अ ऑब्जेक्ट इन विच आई पास आर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स लाइक आपका कनेक्शन, डेटा सोर्स नेम, डेटाबेस नेम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पे भी ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा और कनेक्शन हमारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश्ड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम कनेक्शन को चेक करना, कनेक्शन ओपन हुआ है नहीं हुआ, स्टैब्लिश्ड हुआ है नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस बटन के लॉगिन के क्लिक पे भी कर सकते हो, अदर छोड़ो उसे, वो तो हो ही जाएगा। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वेरिफिकेशन की कोडिंग करते हैं। तो वेरिफिकेशन की कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले वैलिडेशन की कोडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़
txt email id dot text equals to अगर blank होता है, ठीक है, and txt password dot text equals to अगर blank होता है, अगर ये दोनों text boxes मेरे blank होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि एक message जो है वो appear हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे response dot write और मुझे स्क्रिप्ट के थ्रू अगर मैसेज को शो कराना है तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का जो टाइप है वो क्या है, अलर्ट का टाइप है, अलर्ट क्या देना चाहता है ये, प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स, ठीक है, ये मैं मैसेज शो कराना चाहता हूँ, आप इसकी जगह पे कुछ भी करा सकते हो, appropriate message, और मैंने वापस script tab को close कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया if का condition, else में अगर ये दोनों field में value होती है तो क्या होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ अगर दोनों field में values हैं, textbox 1 में और textbox 2 में values हैं, तो क्या करें, ये verify करें, तो verify कराने के लिए मैंने क्या किया, एक मैंने string type का एक variable ले लिया str, जिसके अंदर मैं यहाँ पर query pass करने जा रहा हूँ, क्या select star from admin, मैंने एडमिन की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे भी आप वेयर का क्लाउज भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर जिस जो ईमेल आईडी है उसी की वैल्यू आप उसी को रो को सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एसक्यूएल कमांड ले लिया, जिसका नाम लिया cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, अब इस कमांड के अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, str पास कर दिया, जो कि मेरा कमांड होगा, और मैंने मुझे कनेक्शन को पास करना है, कनेक्शन मेरा कौन होगा, कौन के अंदर हम लोगों ने कनेक्शन पास किया है, अब मैं उसे एक कमांड को एग्जीक्यूट कराना है, जब कमांड को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इट विल रिटर्न द वैल्यू, रिटर्न करेगा वैल्यू, तो वैल्यू रिटर्न कहाँ पे करेगा, तो मुझे उसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल डाटा रीडर ले लेंगे, एसक्यूएल डाटा रीडर DR हमने ले लिया, और DR के अंदर हम क्या करेंगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, देखो नॉन क्वेरी नहीं लेंगे, एग्जीक्यूट रीडर, सॉरी, ठीक है, रीडर नॉन क्वेरी कब लेते हैं, जब हमारा DML होता है, जब ये हमारा क्या है, DDL है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया है, एग्जीक्यूट रीडर, तो अभी मेरा क्या हो गया, जितने भी रोज एंड कॉलम्स थे वो सारे DR के अंदर रिटर्न हो जाएंगे, जितने भी रोज एंड कॉलम्स एडमिन के अंदर थे वो सारे DR के अंदर रिटर्न हो जाएंगे, अब मैं चाहता हूँ कि DR के अंदर 1 by 1 मेरे सारे रोज को चेक करूँ, तो उसके लिए मुझे कंडीशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर देखो अभी आपने किया तो, लेकिन आपने कनेक्शन तो ओपन नहीं किया अभी यहाँ पर ना, तो कनेक्शन को चेक भी करा के, चेक करा के यहाँ पे ओपन कर सकते हो इस तरह से, कॉन डॉट स्टेट, कॉन का स्टेट यानी कनेक्शन का स्टेट इक्वल्स टू, कनेक्शन का स्टेट अगर क्या है, कनेक्शन का स्टेट अगर ओपन है, क्लोज है तो ओपन हो जाए, तो कनेक्शन का स्टेट अगर क्लोज है तो क्या हो जाए, कॉन डॉट ओपन, तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप डेटाबेस में आप जब हम क्रिएट बनाते हैं ना, तो कनेक्शन ओपन क्लोज का ना बहुत सारे एरर्स आते रहते हैं उसके साथ, अगर आप ये लिखोगे तो कभी भी कनेक्शन के एरर्स नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कर दिया, अब मैं चाहता हूँ 1 by 1 करके सारे रोज़ को चेक करूँगा, जो मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रखा दिया क्या, DR के अंदर मैंने रीड का कंडीशन लगाया, और रीड के कंडीशन के बाद मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ में क्या कि अगर मेरे txt ईमेल आईडी का जो टेक्स्ट होगा अगर इक्वल्स टू DR के उस कॉलम से मैच करेगा, कॉलम का मतलब कॉलम का नाम जो मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है, दिस इज़ ईमेल आईडी, चेक कर लेते हैं, ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पे करेंगे ईमेल आईडी, और इसको हम लोग क्या करें, जो ईमेल आईडी है बेसिकली वो वेरकैर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स भी मेरा वेरकैर है, टेक्स्ट का भी टाइप क्या होता है, वेरकैर होता है, एंड सेम txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, पासवर्ड का जो टेक्स्ट है अगर मैच करेगा मेरे DR के किस कॉलम से, सेकंड वाले कॉलम से, जिसका नाम क्या है, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग, और ये दोनों मैच करता है तो क्या होना चाहिए, ये दोनों मैच अगर करता है तो क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों मैच करता है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेलकम पेज खुले, और वेलकम पेज को यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के थ्रू, तो मैं चाहता हूँ मेरा डिफ़ॉल्ट वाला पेज ओपन हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट करके उस पेज का नाम दे देंगे जो रीडायरेक्ट कराना है, रीडायरेक्ट में हम पेज का नाम देते हैं दिस इज़ डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX, ठीक है,
else, अगर ये नहीं होता है तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ एक मैसेज यहाँ पे शो हो जाए, तो मैसेज के लिए जो मैंने यहाँ पे ये वाला इस लाइन को मैं कॉल कर कॉपी कर रहा हूँ और मैंने मैसेज में यहाँ पे पेस्ट किया, और मैं चाहता हूँ कि इसके जगह पे क्या आ जाए, इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड, इनवैलिड यूज़र आईडी, ईमेल आईडी ना, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। और आप चाहते हो इसके बाद कि आपके पास में लाइक ब्लैंक हो जाए और सारी चीज़ें, तो ये करा सकते हो। मैं ब्लैंक के लिए हम अलग से फंक्शन अभी बना के आपको दिखाते हैं कैसे यूज़ होगा। तो ये हो गया, ठीक है। और वाइल के बाद आपने क्या करना है, डीआर को क्लोज़ करना है, तो डीआर डॉट क्लोज लिखोगे, और कनेक्शन को भी मुझे क्लोज़ करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन डॉट क्लोज़। तो ये मेरा हो गया कनेक्शन, लाइक वेरीफिकेशन, वैलिडेशन और वेरीफिकेशन दोनों हमने कर ली। तो बहुत जगहों पे वैलिडेशन और वेरीफिकेशन पूछे जाते हैं, इवन वाइवा वगैरह में भी, अगर आप इग्नो का वाइवा वगैरह देते हो तो ये क्वेश्चन आपके पास होता ही होता है प्रोजेक्ट वाइवा में कि व्हाट इज़ वैलिडेशन और वेरीफिकेशन। तो ये हमारा जो हो गया ऊपर वाला, ये हो गया वैलिडेशन, इसको वैलिडेशन कह रहे हैं और इसको वेरीफिकेशन कह रहे हैं। वैलिडेशन कहाँ पे होता है, क्लाइंट साइड से वैलिडेशन होता है, लाइक क्लाइंट में जो एंटर किया है डेटा वो उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं, दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। और वेरीफिकेशन का मतलब होता है टू वेरीफाई डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डेटाबेस के टेबल से वेरीफाई किया, गॉट इट। अब देखो इसमें और भी कुछ मैकेनिज्म है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। रीसेट है, रीसेट का मतलब क्या होता है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो जाए। तो ब्लैंक करने के लिए हमने क्या करा है, हम चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा मेथड बना सकते हैं ब्लैंक के लिए, और उसको हम लोग यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन इनवैलिड जब हो तब भी वो कॉल हो जाए और रीसेट पे क्लिक करें तब भी कॉल हो जाए। तो रीसेट पे क्लिक करते हैं और रीसेट के मेथड के नीचे एक और मेथड हम लोग यहाँ पे बनाते हैं नल टाइप का, रिटर्न टाइप नल वॉइड ब्लैंक। ब्लैंक का एक मेथड हमने बनाया और इस ब्लैंक के अंदर हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ब्लैंक कर देते हैं, यानी कि टी एक्स टी ई मेल आई डी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक डबल कोट्स, यानी कि ब्लैंक, और टी एक्स टी पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स, मतलब कि ब्लैंक। और मैं चाहता हूँ कि टी एक्स टी ई मेल आई डी पे मेरा फोकस चला जाए, ठीक है। तो मैंने फोकस को वहाँ पे भेज दिया। तो इस ब्लैंक मेथड को मैंने कहाँ पे कॉल कर दिया, मैंने यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर दिया, यानी कि जैसे ही मेरा ब्लैंक हो, मतलब रीसेट पे मैं क्लिक करूँ तो ये ब्लैंक हो जाए और मेरा कर्सर का पॉइंटर फर्स्ट वाले पे चला जाए। और मैं ब्लैंक कहाँ कॉल करना चाहता हूँ, जब इनवैलिड का मैसेज आए तो इनवैलिड के बाद भी मैं ब्लैंक कॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इनवैलिड के बाद भी ब्लैंक कॉल कर लिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करा के देखें इसे एक बार। तो इसके हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे जाके ये जो हमारा पेज है एडमिन लॉगिन, इस पर राइट क्लिक करते हैं और सेट है स्टार्ट पेज, इसे आप रन कराओ। हाँ, आप चाहते हो पासवर्ड आपका इंक्रिप्टेड रहे ना दिखे, तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी में जाओ और यहाँ पे टेक्स्ट मोड आ रहा है, यहाँ पे आप पासवर्ड सेलेक्ट कर लो, तो अब ये रन टाइम में आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा। ईमेल आईडी मेरी थी a@gmail.com, पासवर्ड मेरा था 123, ठीक है। मैं 1234 करता हूँ, इनवैलिड डालता हूँ। लॉगिन पे मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड ईमेल आईडी पासवर्ड का मैसेज आता है। ओके करते ही ये क्या हो रहा है, देखो ब्लैंक हो जा रहा है। ब्लैंक होते ही मेरा क्या हो रहा है, कर्सर का पॉइंटर फर्स्ट वाले पे मूव कर गया, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैन्युअली भी ब्लैंक कर सकता हूँ। मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा और फर्स्ट वाले पे कर्सर का पॉइंटर मूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं अब वैलिड पासवर्ड डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी डाली, वैलिड पासवर्ड मेरा है 123। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई करने के बाद उसने मेरा वो पेज ओपन कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला पेज है ये मास्टर पेज के थ्रू आया है,
यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन का नाम डालूँ और साथ में चाहता हूँ कि जो होम है इसकी जगह पे मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट मैं ऐड करा पाऊँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट को ऐड कराने के लिए मैं प्रोडक्ट का एक वो बनाना चाहता हूँ पेज, और मैं प्रोडक्ट के पेज को इस मेन्यू पे कॉल करना चाहता हूँ जिसका नाम है होम। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक प्रोडक्ट के नाम से पेज बनाते हैं। तो पेज को ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसे इस टेबल को मैंने कॉपी कर लिया, और प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, प्रोडक्ट मास्टर के नाम से मैंने एक पेज ऐड कर लिया, और डिज़ाइन में चले गए, मैंने उस टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा एंटर में करा, अब मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया प्रोडक्ट पैनल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सारा मैनेज होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है फर्स्ट वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम मेरा प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, फिर मेरा सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट नेम, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक रो विलो, और भी मुझे रोज चाहिए, राइट क्लिक करते हैं इंसर्ट अ रो विलो, मेरे पास चार आ गए। मैं टेबल में चेक करता हूँ मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4, इंसर्ट अ रो विलो, ठीक है, प्रोडक्ट नेम आ गया, नेम के बाद क्या आ गया, कैटेगरी, कॉस्ट, क्वांटिटी और यूआरएल। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट की कैटेगरी, कैटेगरी के बाद है कॉस्ट, सॉरी कैटेगरी के बाद मेरा कॉस्ट, कॉस्ट के बाद क्वांटिटी, कॉस्ट के बाद क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद क्या है, इमेज का पाथ आ जाएगा, इमेज जो मैं इमेज को यहाँ से ब्राउज करूँगा। अभी टेक्स्ट बॉक्स को भी मैं चेंज कर देता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके TXT, प्रोडक्ट आईडी, TXT, नेम, और भी मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, यहाँ से मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज TXT, कैट, कैटेगरी के लिए, अब यहाँ चाहो तो आप कैटेगरी के लिए ना आप मल्टीपल कैटेगरीज को यहीं पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि कैटेगरीज जो है वो एक दूसरे टेबल में भी हम स्टोर करा के यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी के बाद कॉस्ट है, TXT कॉस्ट, और उसके बाद क्वांटिटी है TXT QTY, और ये है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फाइल अपलोड। तो यहाँ पे फाइल अपलोड कंट्रोल को यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये क्या करेगा, ये इमेज को ब्राउज़ करेगा जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली इमेज है आपकी। ठीक है, अब ये बटन्स को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, बटन का है दिस इज़ BTN, मैं ये करना हूँ ऐड के लिए, BTN ऐड, ये क्या करेगा तुम्हारे प्रोडक्ट को ऐड करेगा, प्रोडक्ट ऐड करेगा। दूसरा वाला बटन है क्या करेगा, फाइंड करेगा, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसे फाइंड, और ये क्या करेगा, फाइंड यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को फाइंड करेगा। और दो बटन्स और मुझे लेने हैं, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, ये वाला क्या करेगा, इसे अपडेट करेगा, तो इसको हम लोग लेते हैं BTN अंडरस्कोर अपडेट, और उसके बाद हम लेते हैं यहाँ से
btn underscore डिलीट, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं डिलीट, और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं अपडेट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, डेटाबेस भी मेरा ओके है, क्रिएटेड है। अब यहाँ पे एक्चुअल मैंने इसे कॉपी किया था, तो सोर्स में जाके ना आपको ये ऑन क्लिक हटाना होगा, नहीं तो ये आपको एरर शो करेगा। ये ऑन क्लिक हटा देना, क्योंकि दो बटन्स मैंने वहाँ से कॉपी किए थे, दोनों बटन के साथ देखो ऑन क्लिक इवेंट एडिट था पिछले वाले फॉर्म से। कोई कॉपी पेस्ट अगर आपको करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज़ ये एरर शो करेगा। ठीक है, डिज़ाइन में वापस आ गए, इसे आप सेव करो यहाँ से। अब ये जो प्रोडक्ट का पेज है, मैं कहाँ कॉल करना चाहता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट का पेज, जब ये, या तो इसको मास्टर पेज के थ्रू भी बना सकते थे हम लोग, मास्टर पेज के थ्रू बनाओगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट के मास्टर पेज को ना यहाँ से, इस वाले जो डिज़ाइन को मैंने कॉपी किया था ना, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मतलब मैंने जो बनाया था इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं ऐड करने जा रहा हूँ एक पेज, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बनाया था प्रोडक्ट मास्टर के नाम से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। अब यहाँ पे मैं ये मास्टर पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास एक वो पेज आया ना, वो मास्टर पेज वाला आ गया। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, जो डिज़ाइन वाला लेआउट था ना उसका मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, यानी पूरा डिज़ाइन का जो लेआउट है ये वाला, ये मैं वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ से बी आर से ये पूरा टेबल तक ले लिया, ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी कर लिया पूरा, या चाहो तो पूरा टेबल भी कॉपी कर सकते थे और यहाँ पे यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो देखोगे आपके पास आउटपुट में इस तरह से आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आप चाहो तो इसको इस तरह से स्पेसिंग दे दोगे और यहाँ सेव कर लो इसे। जो ये पेज है, ये प्रोडक्ट मास्टर का पेज है, तो इसके लिए मुझे एक मेन्यू भी बनाना पड़ेगा, जब प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट वाला पेज खुले। तो यहाँ पे आप आ जाओ साइट मास्टर पे। साइट मास्टर पे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे मेन्यू सारे बने हुए हैं, इसमें एक और मेन्यू आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ से किसी भी एक एलआई को कॉपी कर लो, और मैं चाहता हूँ होम के बाद प्रोडक्ट आ जाए, तो होम के बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोडक्ट, नाम चेंज कर दिया उसका। अब मैं उसका यूआरएल कॉल करूँगा, जो पेज का यूआरएल है। तो यहाँ से आप कंट्रोल और स्पेस बार बटन दबाओगे, और जो आपने प्रोडक्ट का पेज बनाया था प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर, उसे आप यहाँ पे कॉल कर लोगे, तो ये आपका पेज वहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो मैंने प्रीवियसली प्रोडक्ट मास्टर के नाम से जो नॉर्मल पेजेस बनाया था वो मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट मास्टर वाला जो पेज था ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जो मेरा पेज बन गया ये मास्टर पेज के अंदर बन गया। अब देखना चाहोगे आप, भाई मैंने कोई कोडिंग नहीं की है उसके अंदर में, जब हमने पेज को डिज़ाइन किया है। पासवर्ड, लॉगिन। अब देखो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट पेज आ गया, इस डिफ़ॉल्ट पेज के अंदर में एक मेरे को मास्टर प्रोडक्ट के नाम से मेन्यू आ गया, क्योंकि ये मास्टर पेज में मैंने बनाया था। ये डिफ़ॉल्ट वाला तो पहला वाला पेज हो गया, ये अबाउट का पेज है, ये कॉन्टैक्ट का पेज है, और ये मेरा प्रोडक्ट का पेज है। ठीक है, वो मैंने सेव कर दिया था इसलिए उसके दोनों वैल्यूज सेव हो गए, सेम कॉपी पेस्ट इंस्टेंस था इसलिए। आप चाहो तो आप कुकीज़ को हटा दोगे तो ये नहीं आएगा। तो देखो तुम्हारे पास में ये पेजेस आ चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे इसका जो पैरामीटर्स था ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था उसे, तो इसका जो टेक्स्ट मोड है वो पासवर्ड रह गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इसका टेक्स्ट मोड यहाँ से चेंज कर दो, यहाँ पे जाओ प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और यहाँ पे टेक्स्ट मोड के अंदर में क्या करोगे,
सिंगल लाइन सेलेक्ट कर लो, तो ये आपका टेक्स्ट मोड का हट जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पेज पे ऐड की कोडिंग करनी है, यानी ऐड में जैसे क्लिक करूँ तो ये मेरा डेटा ऐड हो जाए। तो ऐड के साथ साथ मुझे चाहिए इमेज का यूआरएल भी सेव करना है, इमेज यहाँ पे आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा, इस लोकल सर्वर में भी इमेज को यहाँ पे सेव करना होगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ एक फ़ोल्डर को, फ़ोल्डर का नाम मैंने रख लिया IMG इमेज, ठीक है। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे आ गया। मुझे कनेक्शन की कोडिंग करनी पड़ेगी, तो दो नेम स्पेसेस मुझे चाहिए एज यूजुअल, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, और मैंने आपको दूसरा बताया था यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये दो नेम स्पेसेस कॉल करे और मुझे कनेक्शन की कोडिंग को भी कॉल करना है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐड की कोडिंग करनी है। ऐड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्वर पे जो आपने ब्राउज़ के थ्रू जो ब्राउज़ किया है, फाइल अपलोड के थ्रू जो ब्राउज़ करेंगे उसे सर्वर पे पहले सेव एस कराना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग पाथ के नाम से एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, और मैं यहाँ पे एक एड्रेस पास करने जा रहा हूँ जो मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फोल्डर का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टिल्ड डायरेक्टरी, फोल्डर का नाम देन डायरेक्टरी इज़ द नेम ऑफ दिस फोल्डर, ये लोकेशन हो गया, इस फोल्डर का लोकेशन हो गया ये वाला एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा ये फोल यहाँ पे सेव होगा। और फिर उसके बाद जो मैं इसका जो एड्रेस होगा, बेसिकली पाथ में ले रहा हूँ, इमेज का पाथ ले रहा हूँ, इमेज का यूआरएल में ले रहा हूँ, तो इमेज का यूआरएल के अंदर में एक तो ये आ गया प्लस कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर, और जो मैं फ़ाइल अपलोड के थ्रू ब्राउज़ करूँगा तो फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, तो जो फाइल का नेम होगा वो कहाँ आ जाएगा, इस इमेज पाथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अब इमेज पाथ को के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे, फाइल अपलोड के थ्रू हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज, क्योंकि देखो ये पहले सेव कहाँ पे था, आपका सी ड्राइव में सेव था या डी ड्राइव में सेव था, अब आप उसको ब्राउज़ करोगे, ब्राउज़ करने के बाद सेव कराओगे, कहाँ पे सेव कराओगे, इस फोल्डर में सेव कराओगे, इस वाले फोल्डर में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेव एज सर्वर डॉट मैप पाथ, सर्वर का मैप पाथ, और सर्वर का जो मैप पाथ है वो कौन डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है मेरा IMG पाथ। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे IMG इमेज अंडरस्कोर पाथ, ठीक है, इमेज पाथ। तो इमेज पाथ जो है वो यहाँ पे आपको क्या करेगा, इस लोकेशन के अंदर में इमेज पाथ को स्टोर करा देगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आपने ब्राउज़ किया, जो भी आप ब्राउज़ करोगे वो सेव एज करा देगा, इस लोकेशन पे करा देगा जो ये इसका पाथ है, जो कि आपका ये सर्वर का मैप पाथ के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब तो मेरी यह फाइल यहाँ पे चलो सेव एज़ हो गई, सेव एज़ होने के बाद मैं चाहता हूँ मेरा डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इंसर्ट की कोडिंग करेंगे यहाँ पे, जो हम मैनुअली स्ट्रिंग पास करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है, चेक कर लो, टेबल का नाम आपका प्रोडक्ट था, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर में मेरे पास जो कॉलम्स हैं उसकी वैल्यू डालेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को हम पास करने जा रहे हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ के लिए डेटाबेस के कॉलम के लिए सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, जो उसकी वैल्यूज़ है वो किसके थ्रू जा रही है, तो txt प्रोडक्ट ID डॉट टेक्स्ट है ना, प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट, ये पहला वाला कॉलम हो गया, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया, कॉमा कंट्रोल वी सेकेंड कॉलम, प्रोडक्ट आईडी के बाद क्या था, प्रोडक्ट का नेम था, नेम, ठीक है, उसके बाद आ जाओ कॉमा कंट्रोल वी, नेम के बाद क्या था, कैटेगरी CAT कैट है ना, कैटेगरी के बाद कॉमा कंट्रोल वी, कैटेगरी के बाद क्या था, कैटेगरी के बाद कॉस्ट क्वांटिटी इमेज, उसके बाद है मेरा कॉस्ट, कैटेगरी के बाद कॉस्ट है CUST, कॉस्ट के बाद क्या है, कंट्रोल वी, कॉस्ट के बाद क्वांटिटी ना, QTY क्वांटिटी, और क्वांटिटी के बाद मेरा इमेज है।
अब देखो इमेज में क्या करना है, इमेज में तो कोई वैसा ऐसा कंट्रोल है नहीं कि मुझे कंट्रोल को पास करना है, तो कंट्रोल तो मेरा वो क्या करेगा, ब्राउज करेगा। तो बेसिकली मुझे एड्रेस स्टोर कराना है, और एड्रेस मैंने किस में स्टोर कराया हुआ है, इमेज पाथ के अंदर में, जो हम लोगों ने एक इमेज पाथ के नाम से लिया था उसके अंदर स्टोर कराया हुआ। तो मैं उसको यहाँ पे पास करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये इमेज पाथ है, इसके अंदर मेरा क्या करेगा, यहाँ से तो फाइल नेम उठाएगा, और यहाँ से उसका ये वाला एज इट इज़ स्ट्रिंग मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, दोनों कॉन्केटिनेशन कर दिया। तो ये क्या होगा, जो भी फाइल का नेम होगा, सपोज़ कर लो ए डॉट जे पी जी के नाम से फाइल सेलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग प्लस ए डॉट जे पी जी, तो ये पूरा का पूरा पाथ कहाँ चला जाएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब मुझे कमांड की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एस क्यू एल कमांड सी एम डी इक्वल्स टू न्यू एस क्यू एल कमांड, और इस कमांड के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, एस टी आर, और एस टी आर के साथ हम पास करते हैं कॉन। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट कराना है, तो उससे पहले मुझे चेक करना होगा कनेक्शन ओपन है क्लोज है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू, कनेक्शन का जो है स्टेट अगर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो क्या होगा, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट, और नॉन क्वेरी लेंगे क्योंकि डी एम एल स्टेटमेंट है। और उसके बाद अगर आपको लगता है मैसेज को शो कराना है, तो मैसेज को आपको शो करा सकते हो यहाँ पे। तो मैंने स्क्रिप्ट वाले को यहाँ से कॉपी कर लिया है, ऐड होने के बाद मैंने स्क्रिप्ट को मैसेज को यहाँ पे शो करा देता हूँ, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है, तो अब यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है। अब चाहते हो प्रोडक्ट ऐड होने के बाद मेरा प्रोडक्ट की जो इमेज होगी वो शो भी करे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसी में ही जो आपने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जो डिव है ये वाला, इस डिव के को के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं, एक और डिव लिया हुआ है ना, इसको यहाँ से हम लोगों ने उसे लाइक मॉडिफाई में जाके मर्ज कर लेते हैं, और इस डिव के अंदर एक हम लोग यहाँ पे इमेज कंट्रोल ले लेते हैं, और इमेज कंट्रोल का साइज़ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, इसका विड्थ हमने दे दिया 100, और इसका जो हाइट है उसका हाइट भी हम लोग 100 कर देते हैं, विड्थ और हाइट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जो भी इमेज वहाँ पे है वो यहाँ पे शो होके दिख भी जाए, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, पेज लोड इवेंट को हमें कॉल करना होगा, क्योंकि आपको रीलोड कराना होता है, रिफ़्रेश कराना होता है अपने उसको एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे जो आपके सेंडर हैं और इवेंट टास्क है, दोनों को कॉल करना होगा, उसके बाद आपको इमेज को यहाँ पे लोड किस में कराना है, इमेज जो कंट्रोल का नाम है इमेज वन डॉट इमेज यू आर एल, इमेज का यू आर एल जो है वो क्या होगा आई एम जी पाथ जो हमने ऊपर लिया हुआ है। तो क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे लोड कराओगे पेज रिफ़्रेश होगा, रिफ़्रेश होने के बाद जो उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर था जो हमने ब्राउज़ किया था वो क्या करेगा, इमेज यूआरएल जो उसको शो करा देगा, ठीक है। चलो देखें अब हम लोग इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ इमेजेस वगैरह भी चाहिए होंगे, अगर आपके पास कुछ, अगर प्रोडक्ट को ऐड करा रहे हो तो कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लो। जैसे मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे डाउनलोड 2 के नाम से मोबाइल का, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ, मैं प्रोडक्ट के पेज पे आ गया। अब प्रोडक्ट के पेज पे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड डाला 1001, प्रोडक्ट का नेम मैंने डाला लाइक नोकिया 1100, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। कैटेगरी क्या है, मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कैटेगरी ले ली मोबाइल, और कॉस्ट इसका मैंने ले लिया 19,500। क्वांटिटी मेरे पास कितना अवेलेबल है, सपोज़ कर लो मेरे पास 15 पीसेस अवेलेबल हैं, 15 ले लिया। अब मैं उस नोकिया का जो भी मेरे पास मोबाइल है उसको मैं इसका इमेज यहाँ से
कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास मैसेज आया प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, पेज लोड हुआ। लोड होने के बाद देखो आपका इमेज भी आपका शो हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट का इमेज आपने डेटाबेस में भी स्टोर करा लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ पे मेरी कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर हुई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो प्रोडक्ट का की कोड का कोड चला गया, उसका नेम है, कैटेगरी है, कॉस्ट है, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है। एड्रेस मतलब हो गया उसका पहला वाला जो स्ट्रिंग मैंने पास किया था टिल्ड इमेज टिल्ड, उसके बाद आ रहा था क्या उसका इमेज का एड्रेस। देखो यहाँ पे स्टोर होने के बाद साथ साथ क्या हो रहा है, मेरे लोकल सर्वर में भी स्टोर हो गया है। आप इसे स्टॉप करो, आप यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाओ, देखो इमेज फोल्डर पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे करो यहाँ पे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। देखो ये इमेजेस मेरी सर्वर पे भी एक्सप्लोर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक देखा हमने क्या कि इमेज को हमने स्टोर करा दिया, ऐड करा दिया। अब हमारा क्या असाइनमेंट है कि जो मैंने इमेज को स्टोर कराया है उसे मुझे सर्च करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उस इमेज को फाइंड करने के लिए वापस आते हैं, फाइंड पे जाते हैं। फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले वेरिफिकेशन करनी होगी कि जब तक यूज़र अपना प्रोडक्ट कोड नहीं डालेगा तब तक मैं उसको फाइंड तो नहीं करूँगा। तो प्रोडक्ट कोड क्या करूँगा, मैं उसे एंटर करवाऊँगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट के भी कोड के भी यहाँ पे, इफ़ txt प्रोडक्ट ID डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर क्या होता है ब्लैंक, अगर ब्लैंक होता है तो क्या हो, तो ब्लैंक होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि प्रोडक्ट ID ऐड करे, मतलब एंटर करे। तो मैंने उसको क्या किया, एक मैसेज उसको यहाँ पे शो कराया, क्या मैसेज शो कराया, प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट ID, प्लीज एंटर प्रोडक्ट ID, ठीक है। जब तक वो प्रोडक्ट ID नहीं डालेगा तब तक मैं सर्च नहीं करूँगा, और प्रोडक्ट ID पे कर्सर का पॉइंटर मैं मूव करा देता हूँ तो प्रोडक्ट ID डॉट सेट फोकस डॉट फोकस सॉरी, ठीक है, तो फोकस हो जाएगा इस पर उस कर्सर पॉइंटर पे। तो ये हो गया मेरा वैलिडेशन, मैंने एक लगा दिया कि भाई उसकी ID होनी चाहिए तभी मैं उसको सर्च कर पाऊँगा, और एल्स अगर उसने ID डाल दी है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो उसका डेटा है वो सर्च हो जाए। तो सर्च के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका URL भी चाहिए होगा, उसका इमेज भी चाहिए होगा सर्च में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगेन एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str ले लिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइंड की कोडिंग करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, SQL कमांड लेना है, SQL कमांड, और उस कमांड के अंदर में आपको क्या पास करना है, str और पास करना है con, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक डेटा रीडर भी लेना है, कनेक्शन को भी चेक कराना है। तो आपने ले लिया SQL डाटा रीडर dr, और DR के अंदर ही आप चाहो तो यहाँ पे CMD को एग्जीक्यूट करा सकते हो, CMD.ExecuteReader, क्योंकि मुझे चेक करना होगा ना वन बाई वन करके। उससे पहले मुझे चेक रन कराने से पहले मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा कनेक्शन को कि कनेक्शन का स्टेट क्या है। तो con.state इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट, अगर क्या रहेगा क्लोज रहता है तो क्या हो जाए, con.ओपन हो जाए, कनेक्शन ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे वाइल कंडीशन यूज़ करना है और DR कंडीशन में डालना है कि DR अगर रीड करता है, मतलब उसके अंदर अगर वैल्यू होती है और साथ में कंडीशन हम लगाते हैं इफ़ का, अगर मेरा txt पासवर्ड PID प्रोडक्ट ID का टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर मैच करता है DR के फर्स्ट वाले कॉलम से, फर्स्ट वाला कॉलम मतलब P_ID यही था ना, चेक कर लेते हैं कॉलम का नेम,
नहीं तो इसकी जगह आप ज़ीरो इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ज़ीरो इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो डॉट टू स्ट्रिंग हमने ले लिया, अगर ये मैच करता है तो क्या होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ ये मैच करता है अगर, तो मेरी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखनी चाहिए वन बाई वन रिप्रेजेंटेटिव, जो भी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो txt जो नेम होगा वो उसमें नेम शो होना चाहिए, तो नेम डॉट नेम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू dr का कौन सा कॉलम, फर्स्ट वाला, फर्स्ट मतलब हो गया नेम, ये ऊपर वाला जो था वो क्या हो गया ज़ीरो और ये वन हो गया। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग वैल्यू भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, कितने कॉलम थे, चार, और पांचवें कॉलम में मेरा क्या था, इमेज है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लास्ट वाले में लेता हूँ, कंट्रोल का नाम था इमेज वन, इमेज वन डॉट इमेज यू आर एल, ठीक है, इमेज यू आर एल, इमेज यू आर एल में क्या आएगा, लास्ट वाला, यानी कि जो मेरा एड्रेस था। अगर देखा जाए तो ये ज़ीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव, दिस वन इज़ फाइव। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ फाइव, फाइव में आ गया। अब मुझे फोर में क्या चाहिए, फोर थ्री टू वन, ठीक है। अब टू में क्या था, मेरा प्रोडक्ट नेम के बाद कैटेगरी थी, तो कैटेगरी मेरी किस में आ रहा था, कैट के अंदर आ रहा था। कैटेगरी के बाद क्या था, कॉस्ट था, कॉस्ट आ गया, कॉस्ट के बाद क्या था, क्वांटिटी थी, क्यू क्वांटिटी आ गई। अब देखो मेरे सारे डेटा आ गए इसके अंदर में। अगर ये मैच नहीं होता है तो एल्स में आएगा, सपोज़ कर लो मैंने एक ऐसा वैल्यू डाला जो कि डेटाबेस में है ही नहीं, तो उस केस में क्या आएगा, एल्स में आएगा। और एल्स में मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज उसको शो हो जाए, तो मैं यहाँ से एक मैसेज को शो करा सकता हूँ, प्रोडक्ट आईडी नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये हो गया मेरा। तो वाइल के बाद हम क्या करेंगे, dr को क्लोज करेंगे, dr डॉट क्लोज, वाइल के बाद मैंने dr क्लोज किया और उसके बाद मैं कनेक्शन को क्लोज कर रहा हूँ, तो कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन भी मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका फाइंड का। एक बार ट्राई करते हैं फाइंड को भी। मैंने एक प्रोडक्ट को वहाँ पे इंसर्ट कराया था जिसका नाम था P001, प्रोडक्ट आईडी ना, जो मैंने यहाँ पे देखो सर्च भी करी थी, P001, प्रोडक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं 1001 को फाइंड करते हैं। अगर मैं इसको बिना डाले यहाँ पे फाइंड पे करूँगा तो क्या आएगा, मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि इसके बिना हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 1001 डालते हैं, और डालने के बाद जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे सारी डिटेल्स आ गई आपके सामने और मेरी इमेज आ गई है, ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन सपोज कर लो अपडेट करना चाहता हूँ, यूज़र चाहता है कि उसका इमेज चेंज कर दे, या यूज़र चाहता है कि इसकी जो क्वांटिटी है या इसका रेट है उसको चेंज करना है, यानी कि इसको छोड़ के प्रोडक्ट आईडी को छोड़ के, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी मेरी प्राइमरी की है, उसको छोड़ के कोई भी फील्ड को वो अपडेट कर सकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसके लिए अपडेट की कोडिंग करनी पड़ेगी मुझे, है ना। चलते हैं अब अपडेट की कोडिंग करने के लिए। इसे मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, डिज़ाइन पे चला गया मैं, प्रोडक्ट मास्टर के अपडेट पे जाते हैं। अपडेट पे क्या करना है, अपडेट पे भी मुझे प्राइमरी की चाहिए उसका प्रोडक्ट आईडी, तो मैं यहाँ पे अगेन वैलिडेशन लगाता हूँ प्रोडक्ट आईडी पे, कि टीएक्सटी प्रोडक्ट आईडी डॉट टेक्स्ट अगर रहता है क्या, ब्लैंक होता है तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज वहाँ पे शो हो जाए कि प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट आईडी। ये वाला मैसेज मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसका फोकस भी चला जाए उसके ऊपर में, है ना, प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि जब तक वो आईडी नहीं डालेगा तो तब तक मैं उसको अपडेट नहीं कर सकता। एल्स में आते हैं,
एल्स पे आते हैं। एल्स पे हमने कि अगेन एक स्ट्रिंग str एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसमें मैं अपडेट की क्वेरी लिखूंगा। क्या होगा? अपडेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज़ द नेम ऑफ टेबल। सेट, सेट में किसको करने जा रहा हूँ? सेट में सारे कॉलम को करूँगा। तो कॉलम के नेम मुझे पता होने चाहिए जिसको मैं सेट करने जा रहा हूँ। तो कॉलम का नेम मेरे पास में है, एक तो प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है। तो इस तरह से मुझे सेट करने पड़ेंगे सारे वैल्यूज इसमें। कॉलम का नेम आपको पता होना चाहिए। तो सेट प्रोडक्ट नेम, यानी कि प्रोडक्ट नेम पी अंडरस्कोर नेम इज़ इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स, यानी उसकी वैल्यू होगी बैकएंड की, प्लस जो इसके अंदर से पास हो रहा है वो क्या है, टी एक्स टी प्रोडक्ट नेम, टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट, ठीक है। ये हो गया पहले कॉलम के लिए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे। सेकंड कॉलम देखो वहाँ पे क्या है, कैटेगरी है, तो यहाँ लिखेंगे पी अंडरस्कोर कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट, यानी बैकएंड की वैल्यू, प्लस यहाँ पे क्या है, टी एक्स टी कैट के नाम से है ना, डॉट टेक्स्ट। ये मेरे सेकंड कॉलम हो गए, सॉरी सेकंड कॉलम हो गए, प्लस डबल कोट सिंगल कोट, राइट। फिर अगेन क्या देंगे, कॉमा। अब देखो तीसरा कॉलम क्या है, पी अंडरस्कोर कॉस्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स, प्लस प्लस क्या, जो यहाँ से पास हो रहा है, तो पास क्या हो रहा है, टी एक्स टी कॉस्ट का टेक्स्ट। ध्यान रखना डॉट टेक्स्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे डॉट टेक्स्ट नहीं लगाते हैं, तो उस टाइम पे जो वैल्यूज़ है ना वो बेसिकली कंट्रोल की वैल्यू जाती है, तो डेटा टाइप एरर आता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट सिंगल कोट कॉमा, फिर अगेन कॉस्ट के बाद क्या आ रहा है, क्वांटिटी पी अंडरस्कोर क्यू टी आर वाई, जो कॉलम है वही स्पेसिफाई करना है, इसीलिए मैंने आपको दोनों विंडो एक साथ खोल लिया है ताकि मैं कहीं गलत ना करूं, अदरवाइज इसी में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। प्लस इसकी वैल्यू किस में जा रही है, टी एक्स टी क्वांटिटी में डॉट टेक्स्ट, क्वांटिटी का टेक्स्ट लेना है, प्लस डबल कोट सिंगल कोट। क्वांटिटी के बाद क्या है, यूआरएल है। अब यूआरएल के लिए मुझे तो लेना पड़ेगा ना, तो अभी यूआरएल के लिए मैंने भी फाइल अपलोड वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया है, बट यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो उसको बना लूँ। तो क्या था वो, यूआरएल है p अंडरस्कोर यू आर एल, ठीक है, p अंडरस्कोर यू आर एल इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, जो यहाँ से जो पास करेंगे हम लोग क्या करते हैं, आई एम जी पाथ के नाम से ले लेते हैं, आई एम जी अंडरस्कोर पाथ, अभी मैंने बनाया नहीं है बट ले लेंगे, प्लस डबल कोट सिंगल कोट। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा वेयर का क्लाउज, वेयर वेयर क्या, पी अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, उसकी वैल्यू किस में पास हो रही है, तो टी एक्स टी आई डी प्रोडक्ट आई डी में, पी आई डी डॉट टेक्स्ट में पास हो रही है, प्लस डबल कोट सिंगल कोट। ये मेरी हो गई पूरी स्ट्रिंग। देखो अब हम चेक करते हैं इसको, ये मेरी पूरी स्ट्रिंग हो गई और जिसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज पास करी हैं। अभी हम लोगों ने इमेज पाथ के लिए कुछ नहीं लिया था इसीलिए वहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, इमेज पाथ के लिए सेम जो क्वेरी हम लोगों ने इंसर्ट के टाइम पे की थी वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट के टाइम पे जो हमने की थी ये वाली, ये दो लाइन हम लोगों ने जो इंसर्ट के टाइम पर लिखी थी, मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ और मैंने अपडेट के टाइम पर भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये वहाँ पर एक दो चीज़ें हैं इसके अंदर में लूप फॉइल्स, देखो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो एक जो सारी चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ये मैं आपको थोड़ा सा लूप फॉइल इसका बता देता हूँ। हो सकता है कि यूज़र को
बार बार इमेज को अपडेट ना करना, हो सकता है कुछ एक स्पेसिफिक को ही अपडेट करे, लेकिन स्पेसिफिक को जब अपडेट करेगा तो उस टाइम पे तो सारे अपडेट हो जाएंगे। सपोज मैं कॉस्ट अपडेट करना है, लेकिन कॉस्ट के साथ अगर वो जाता है तो इसमें यहाँ पे ब्लैंक यूआरएल ले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि वो अपडेट करना चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, एक बार आप लोग खुद से पहले ट्राई करना, पहले इतना तो कर लो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो इस केस में क्या है, हम सारे फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इमेज का यूआरएल था, इमेज का पाथ देखो यहाँ चला गया और मैंने यहाँ पे करा दिया। अब ये तो मैंने सिर्फ क्वेरी लिखी थी, अब मुझे क्या करना है, इसका कमांड पास करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, एसटीआर और कौन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीएमडी को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो कनेक्शन को भी चेक करना है, कौन का जो है स्टेट चेक करना है मुझे, अगर इक्वल्स टू होता है क्या, कनेक्शन का अगर क्लोज होता है तो ये क्या करेगा, कौन को ओपन कर देगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर देंगे, ठीक है। नॉन क्वेरी इसलिए करेंगे क्योंकि डीएमएल स्टेटमेंट है और आप चाहते हो कि डेटा अपडेटेड का मैसेज आ जाए, तो यहाँ पे डेटा अपडेटेड के लिए मैसेज डाल सकते हो, प्रोडक्ट अपडेटेड, ठीक है। चलो ट्राई करें इसे भी अपडेट के लिए, रन कराते हैं। प्रोडक्ट पे आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड करके हमने पहले सर्च कर लिया, क्योंकि जब हम फाइंड करेंगे तभी अपडेट कर पाएंगे। हमने फाइंड कर दिया तो हमारे पास डेटा आ गया। मुझे चाहिए क्या, मुझे ये इसकी जगह पे क्या चाहिए, इसकी जगह पे मुझे सपोज कर लो मुझे ये चेंज करना है ना, या मुझे क्वांटिटी चेंज करनी है और क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस चेंज करना है और ये इमेज भी चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अपडेट पे जाना होगा, सॉरी चूज़ फाइल पे जाके मैं अपनी इमेज को पहले अपडेट कर लेता हूँ। मैंने इस वाली इमेज को सिलेक्ट कर लिया और मैंने क्वांटिटी कर ली 20 और इसका कॉस्ट कर लिया 20,000, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपडेट। अब जैसे मैं अपडेट करूँगा, देखो अपडेट प्रोडक्ट का मैसेज आ गया, मेरे पास वो जो इमेज थी पहले वाली वो अपडेट भी हो गई है, ये 20 हो गया है, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अगर आप दोबारा से फाइंड करोगे इसको तो देखो हमारे पास में लोड, अच्छा मैंने ये अपडेट किया था बट अपडेट के टाइम पर मैंने फिर लोड नहीं कराया था इसलिए इमेज लोड नहीं हुआ, फाइंड के टाइम पर मेरा लोड हुआ है। तो एक काम हम लोग और भी कर लेते हैं इसके अंदर में, कि जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो अपडेट के टाइम पे मेरा जो अपडेटेड इमेज है वो आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वही जो वर्क हम लोगों ने उस टाइम पे किया था, पेज का लोड को कॉल करना है जिसमें आपको सेंडर और ई को कॉल करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो इमेज का इमेज वन डॉट इमेज यू आर एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इमेज का पाथ आई एम जी पाथ। तो इससे क्या होगा, जो भी अपडेटेड आपकी इमेजेस होगी वो वहाँ पे शो कर देगी सेम टाइम पे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया, अभी दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको। लॉगिन करते हैं,
प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया तो अभी देखो क्या है, अभी टीवी आ गया, बट मुझे दोबारा मोबाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ, चूज़ में जाता हूँ। मैंने अपनी इमेजेस को यहाँ से सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ और ये मैं 25,000 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपडेट पे करता हूँ, अपडेट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा मैसेज आ गया और द सेम टाइम पे मेरा मोबाइल चेंज हो गया और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। आप चाहो तो डेटाबेस में भी देख सकते हो, सेलेक्ट की क्वेरी, प्रोडक्ट की हम चलाते हैं यहाँ से, देखो यहाँ 25 हो गया, 25,000, 25 और इमेज भी चेंज हो गया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। नाउ अब मैं चाहता हूँ डिलीट हो जाए, मतलब जो मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो इंटायर रो जो है वो डिलीट हो जाए, प्रोडक्ट मेरा डिलीट हो जाए इस टेबल से। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ, आते हैं डिज़ाइन पेज पे, डिलीट पे डबल क्लिक करते हैं, डिलीट का मेथड आ गया। अब फिर मुझे वैलिडेशन करना है कि अगर मेरा प्रोडक्ट का कोड अगर ब्लैंक है तब डिलीट ना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, txt प्रोडक्ट id डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर क्या होता है, ब्लैंक होता है तो क्या करेगा, तो वहाँ पे मैसेज देगा कि प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट आईडी फॉर सर्च। तो सेम यहाँ पे मैं ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो डिलीट से पहले क्या करेगा, वो चेक करेगा अगर प्रोडक्ट आईडी है तो ठीक है, नहीं तो उसको बार बार फोकस करेगा कि प्लीज़ एंटर प्रोडक्ट आईडी। अब मुझे क्या करना है, एल्स में मैं प्रोडक्ट को क्या करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू डिलीट ऑपरेशन की कोडिंग करनी है मुझे, डिलीट प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, ठीक है, सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस जो यहाँ से पास हो रहा है क्या है, दिस इज़ प्रोडक्ट आईडी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया प्रोडक्ट टेबल से, जिसमें प्रोडक्ट आईडी मेरे टेक्स्ट बॉक्स के प्रोडक्ट आईडी से मैच करेगी तो उसको डिलीट करेगा। तो उसके लिए मुझे एसक्यूएल कमांड की ज़रूरत है, मैंने सीएमडी के नाम से लिया एसक्यूएल कमांड, उस एसक्यूएल कमांड में मैं पास करने जा रहा हूँ क्या, str जो मेरी क्वेरी है और कनेक्शन, ठीक है। अब मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने से पहले मुझे कनेक्शन को भी चेक करना है, कौन का स्टेट क्या है, तो कनेक्शन का जो स्टेट है अगर इक्वल्स टू क्या रहेगा, कनेक्शन का स्टेट अगर क्लोज होता है तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ओपन होने के बाद क्या होगा, CMD को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्यों, क्योंकि मेरा ये DML स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज आ जाए और जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जितने भी मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो सारे रिफ़्रेश हो जाएं। तो रिफ़्रेश कराने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को रिफ़्रेश कराने के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स को सारा करा सकते हैं इस तरह से, PID डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स, या आप चाहो तो फॉर ईच कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते थे। मुझे क्वांटिटी को भी कराना है, एक लूप को लगा के भी आप सारे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को ब्लैंक कर सकते हो, नेम को भी कराना है, क्वांटिटी हो गया, कॉस्ट को भी कराना है, ठीक है। तो ये सारे मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे ब्लैंक हो जाएंगे और मैं कर्सर का पॉइंटर किस पे चाहता हूँ, txt प्रोडक्ट आईडी डॉट फोकस, उस पर कर्सर का पॉइंटर चला जाए और उसके बाद फाइनली मेरे पास क्या आ जाए, एक मैसेज आ जाए, मैसेज में क्या आ जाए, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट डिलीटेड, इस तरह से मेरा मैसेज आ जाए,
ठीक है, ये हो गया आपका डिलीट के लिए। इसे एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट पे जाते हैं, सर्च करते हैं फाइंड, ये आ चुका है। डिलीट पे क्लिक करता हूँ मैं, प्रोडक्ट डिलीटेड, और देखो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है। मैंने कैटेगरी और इमेज को नहीं कराया था इसलिए वो नहीं हुई है, तो आपको वहाँ पे भी जाके रिफ़्रेश करना होगा इन दोनों को। तो देखो यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो मेरे पास एक भी प्रोडक्ट इस टाइम पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका डिलीट ऑपरेशन हो गया, हमने एक पूरा क्रड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करा लिया है। एक मिनट आपको तो इसमें आप क्या करोगे, दो चीज़ें जो आपकी छूट गई हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेरे पास कैटेगरी मैंने हटा दिया था, यहाँ पे txt cat dot text is equal to blank, और उसके बाद हमारा था इमेज वन डॉट इमेज यू आर एल इज इक्वल टू ब्लैंक। तो वो क्या करेगा, इमेज को भी ब्लैंक कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक पूरा क्रड ऑपरेशन जो हम लोगों ने उसके साथ में कर लिया है। अब आपको सेम यूज़ करके बनाना है इसका कस्टमर का पैनल। ये तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पैनल बताया आपको कि एडमिन के अंदर में हम लोगों ने कैसे कैसे किसी प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया है सर्वर पे, और कैसे एडमिन लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो फिर कैसे वो वहाँ से वो लॉग आउट करके बाहर निकलेगा, कैसे वो अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। हाँ, इसमें आप लॉग आउट भी कर सकते हो। यहाँ पर लॉगिन कर लिया हम लोगों ने, एक सेशन मेंटेन कर सकते हैं इस पेज पर, हम लोग एक सेशन बना सकते हैं, और लॉगआउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो सीधा का सीधा वहाँ से लॉगआउट करके बाहर आ सके, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम इसको मेन्यू को लॉगआउट पे बना दें तो लॉगआउट पे यूज़र क्लिक करेगा तो वो पेज पे सेशन एक्सपायर करके वो बाहर आ सके। तो यहाँ तो हम लोगों ने प्रोडक्ट का बना दिया, उसी तरह से यहाँ पर हम कस्टमर को भी बना सकते हैं, जो भी कस्टमर्स होंगे कस्टमर को भी वो ऐड अपडेट डिलीट कर सके, किसी पर्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जो यही वाला पैनल आपने इसमें बनाया हुआ है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के लिए। तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और प्रोडक्ट में जाते हैं, ऐड करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी कोई पेज बनाओ ना लॉगिन के लिए तो वो आप मास्टर पेज के थ्रू नहीं बनाओगे। तो ये मैं कस्टमर लॉगिन बना रहा हूँ, एक कस्टमर लॉगिन, ठीक है। कस्टमर लॉगिन के लिए हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ था, यस कस्टमर के लिए बनाया हुआ था, बट कस्टमर में हम लोगों ने वो नहीं किया है ना, पासवर्ड नहीं लिया है इसमें। मैं भी ड्रॉप करके बना लेता हूँ, या तो तुम उसको अल्टर भी कर सकते थे। ये हो गया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल आईडी के बाद मैं चाहता हूँ उसका कस्टमर का सी पासवर्ड आ जाए। सी पासवर्ड मैंने वैरकर ले लिया, साइज़ इसका क्या देता हूँ मैं 10 कस्टमर के पासवर्ड के लिए,
और मैं एक टेबल को दोबारा से रन करा रहा हूँ F5। ठीक है, अभी कस्टमर टेबल में मुझे जो वैलिडेट कराना है ना, वो कराना है कस्टमर के आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड से। यानी कि एक रो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, पहले इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़, वैल्यूज़ में क्या पास कर रहा हूँ मैं, आईडी, आईडी मेरा क्या है 101 क्योंकि इंटीजर है। नेम है, नेम में मैंने कर दिया अजीत। एड्रेस है मॉडल टाउन, और ईमेल आईडी है तो मैंने दे दिया लाइक अजीत एट द रेट gmail.com, और मेरा जो पासवर्ड है 111। उसके बाद क्या है, पासवर्ड के बाद मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, मोबाइल नंबर 7982198164 माय मोबाइल नंबर। मैंने इसे क्लोज किया, मैंने पूरी लाइन को सेलेक्ट करी F5, वन रो अफेक्टेड। अब मुझे क्या करना है, इस सी ईमेल और सी पासवर्ड्स के थ्रू मुझे लॉगिन कराना है, सिर्फ ये दो फील्ड के थ्रू। और मुझे एक वेलकम पेज भी चाहिए, कस्टमर होम, कस्टमर कस्टमर होम के लिए ले लो आप, है ना। तो प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड करते हैं, कस्टमर होम। ठीक है, कस्टमर होम के नाम से ही पेज आ गया है, अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, वेलकम कस्टमर कर देता हूँ बस, बाकी मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अभी। नाउ मैं आता हूँ कस्टमर लॉगिन के पास, कस्टमर लॉगिन के पास मुझे पेज चाहिए, तो मैंने ये कॉपी कर लिया था यहाँ से। अब मैं आता हूँ कस्टमर लॉगिन पे, डिज़ाइन पे, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये मेरा है कस्टमर लॉगिन, कस्टमर लॉगिन पैनल। ठीक है, इसमें इसका ईमेल आईडी और पासवर्ड हम चाहेंगे। सेम मैकेनिज़्म है, आप यहाँ पे लॉगिन और रीसेट दोनों चीज़ें वही होनी है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने नाम हम स्पेसिफाई किया हुआ है, मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी सेम एज़ इट इज़, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन मैनेजर। ठीक है, ये हो गया कनेक्शन की कोडिंग। आप चाहो तो ये मेरी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, उसे कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे इन पेस्ट करता हूँ सेम। ठीक है, नीचे आ जाओ आप। लॉगिन के लिए वेरीफाई करना है, सेम मैं वेरीफाई करूँगा दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पहले, तो txt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट, अगर क्या होता है ब्लैंक होता है एंड txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, अगर क्या होता है ब्लैंक, तो उस केस में क्या होना चाहिए, मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए कि प्लीज़ एंटर लाइक दिस और दिस। तो उसके लिए क्या करोगे, सेम मैसेज वाला पॉइंट मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर योर डिटेल्स, यहाँ पे मैसेज मैं स्क्रिप्ट के थ्रू दिखा दूँगा। एल्स, ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स में चाहता हूँ कि दोनों की, दोनों का जो लाइक जो भी मैंने डाला है वो वेरीफाई करके अप्रोप्रिएट पेज ओपन कर दे। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहते हो कि दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पर जो भी आप उसने अगर एंटर नहीं किया है तो कर्सर का पॉइंटर किस पे चला जाए, पहले वाले पे चला जाए, तो txt ईमेल आईडी डॉट फोकस कर देंगे, फोकस उसके पास फर्स्ट पे चला जाएगा। एल्स में क्या होगा, अगर उसने सब कुछ डाला हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग str एक लेते हैं, और यहाँ पे str के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करेंगे, टेबल का नाम क्या था, कस्टमर, चेक कर लेते हैं एक बार,
यस कस्टमर के नाम से टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर के बाद क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे कमांड की ज़रूरत है, एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर हम क्या पास करेंगे एसटीआर, और साथ में पास करेंगे कॉन कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, रीडर की ज़रूरत है आपको, कनेक्शन को भी ओपन करना है आपको, तो आपको यहाँ पे इफ़ कॉन का स्टेट आप चेक कर लो पहले, कॉन का अगर स्टेट इक्वल्स टू क्या होता है, अगर क्लोज होता है तो ओपन हो जाए, तो कनेक्शन का स्टेट अगर क्लोज होता है तो कॉन जो है वो ओपन हो जाए। कॉन ओपन होने के बाद मुझे डाटा रीडर चाहिए, एसक्यूएल डाटा रीडर डी आर में मैं क्या करूँगा, सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर करा दूँगा, क्योंकि मुझे डी डी एल यूज़ करना है, राइट। फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, लूप के थ्रू मुझे वन बाई वन करके सारी चीज़ों को चेक करना है कस्टमर को, कि कहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में डाला है वो डेटाबेस के किस रो में से मैच कर रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ नहीं लगाएंगे यहाँ पे वाइल यूज़ करेंगे, वाइल डी आर डॉट रीड, अगर डी आर रीड करती है तो क्या होगा, अगर डी आर रीड करता है तो उस केस में हम लोग इफ़ कंडीशन के साथ मैच कराएंगे कि मेरा जो ईमेल आईडी है जो कि मेरे किस में कौन से टेक्स्ट बॉक्स में है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में डॉट टेक्स्ट, अगर मैच करती है किसके थ्रू, डी आर के जो कॉलम का नाम है सी ईमेल के थ्रू, है ना, सी ईमेल डॉट टू स्ट्रिंग, अगर ये दो मैच करती है, ये वाली पहली वैल्यू एंड txt पासवर्ड का जो कॉलम है उसका जो टेक्स्ट है, अगर वो मैच करता है किसके साथ में, dr के c पासवर्ड के साथ में, है ना, c पासवर्ड जो कि मेरे डेटाबेस के कॉलम का नाम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे C ईमेल आईडी और C पासवर्ड दो हैं कॉलम मेरे, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, उसके कॉलम का नाम मैंने वही लिया है जो मेरे डेटाबेस के कॉलम का नेम है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने कस्टमर होम के नाम से एक पेज बनाया है वो ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट में क्या करूँगा, मैं उस पेज का नाम दे दूँगा जिसको मुझे रीडायरेक्ट कराना है, जिसका नाम है कस्टमर होम, तो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कस्टमर होम, ठीक है, डॉट ए एस पी एक्स। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, मेरे पास एक एरर मैसेज आएगा, है ना, और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी। तो मैं स्क्रिप्ट वाला कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट वाले कोड को कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट में हम क्या लिखेंगे कि जो आपकी आईडी है वो इनवैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, कि यानी कि यहाँ पे देंगे हम ईमेल आईडी और पासवर्ड नॉट मैच्ड, ठीक है, और वाइल के बाद क्या करेंगे, डीआर डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज करेंगे और सॉरी डीआर को क्लोज करेंगे, देन हम उसके बाद कनेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कस्टमर का लॉगिन का। अब मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, स्टार्टअप में डालते हैं कस्टमर को, पहले कस्टमर लॉगिन को स्टार्टअप में डालते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हम लोगों ने बटन का जो कोड लिया था ना, वो बटन का कोड वहाँ से मैच नहीं करा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक रीसेट के नाम से बटन लिया हुआ था। मैंने आपको बोला था पहले वाले जस्ट जिससे पहले मैं जब एडमिन का पेज डिज़ाइन कर रहा था
कि कॉपी पेस्ट अगर करना है तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी मेथड्स को भी देखना पड़ेगा। तो अभी रीसेट का बेसिकली हम लोगों ने कोड किया नहीं था और बस हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो रीसेट का देखो ऑन क्लिक जो है वो लगा हुआ है, इस वजह से एरर आया है ये। अब चाहो तो रीसेट की कोडिंग कर लो, या तो इसे आप यहाँ से डिलीट करो और फिर आप इसे एग्जीक्यूट कराओ। तो हम लोगों ने जो यूज़र आईडी पासवर्ड हमने बनाया हुआ था ajeet@gmail.com एंड 111 इज़ अ पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे ajeet@gmail.com राइट, द पासवर्ड इज़ 111 एंड लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो देखो ये वेरीफाई करके वेलकम पेज पे ले गया, ठीक है। तो वेलकम कस्टमर होम का पेज देखो यहाँ पे ओपन हो गया है। बैक पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं गलत डालता हूँ तो क्या हो रहा है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नॉट मैच का मैसेज आ गया, ठीक है। रीसेट पे मैंने कुछ नहीं किया था इसलिए रीसेट पे भी कुछ नहीं आया है, तो वापस मैं इसे स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सेशन भी बताता हूँ, सेशन पे भी कैसे काम करेंगे। उसी तरह सेम आप इसी सेशन को आप चाहो तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो अपने एडमिन पैनल पे भी। सबसे पहले मैं रीसेट में जाके कोड कर देता हूँ कि मेरे दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मेरी ब्लैंक हो जाए। तो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड फर्स्ट वाले पे कर्सर का पॉइंटर चाहना है तो ईमेल डॉट फोकस, पहले वाले पे फोकस चला जाए। तो ये हो गया है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा लॉगिन हो ना, जब मेरा ये रीडायरेक्ट हो इस पेज, उसके पहले मेरा एक सेशन क्रिएट हो जो कि ईमेल आईडी के थ्रू मेरी इन्फॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे चली जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सेशन ऑब्जेक्ट का नाम मैं लेता हूँ ई आई डी, ईमेल आईडी के लिए ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं कस्टमर का ईमेल आईडी पास करूँगा जो कि txt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट में पास हो रहा है। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने एक सेशन का ई आई डी के नाम से सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि सर्वर पे बनेगा, और जो जब मेरा यूज़र आई डी पासवर्ड वेरीफाई हो गया और जब इस ब्लॉक में आएगा तो वो क्या करेगा, जो भी मैंने ईमेल आईडी टेक्स्ट बॉक्स में डाली हुई है वो स्टोर हो जाएगी ई आई डी के अंदर, ठीक है। तो अगर देखो इस टाइम पे क्या है, अगर किसी को भी पता है कि मेरे वेलकम पेज का एड्रेस ये है और ये इसको ओपन करना चाहता है तो अभी फ़िलहाल वो ओपन कर सकता है, राइट। तो देखो जैसे ये वाला पेज है, अगर इस पेज को कोई भी ओपन करना चाहता है तो इसे ओपन कर सकता है। मैं राइट क्लिक करके व्यू इन अ ब्राउज़र पे करता हूँ, तो देखो मेरे पास में कौन सा पेज ओपन हो गया, कस्टमर का होम का पेज देखना है, ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए कि आप लॉगिन करने के बाद जो आपका होम पेज है उस पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर इस तरह से कोई भी पेज ओपन होने लगे तब तो मतलब कोई एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो लॉगिन का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे होम पेज मेरा ओपन हो गया विदाउट कोई लॉगिन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्रेडेंशियल लगाना होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल ये लगाई है तो इसके बिना तो वो नहीं होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज के लोड पे यानी कि कस्टमर के पेज के लोड पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे पेज का लोड आ जाएगा। कौन सा, कस्टमर के होम पे। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ पेज डॉट इज़ पोस्ट बैक, इज़ पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब पेज अगर पहली बार लोड हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर लोड हो रहा है, और इफ़ इफ़ सेशन का जो हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, सेशन का ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ई आई डी, अगर ई आई डी इक्वल्स टू होता है नल, मतलब अगर वो ब्लैंक होता है, तो दो कंडीशन है कि पहला तो कंडीशन ये है कि अगर पेज पोस्ट बैक होता है पहली बार खुलता है, और दूसरा कि अगर सेशन की वैल्यू नल होती है, ठीक है। अगर मान लो पहली बार तो खुलेगा ही खुलेगा, और उस केस में अगर सेशन की वैल्यू नल है, सेशन की वैल्यू नल कब होगी, जब वो इस पेज के थ्रू नहीं जाएगा। अगर वो इस पेज के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पे अपने आप को यूज़र आईडी पासवर्ड वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जब वो यहाँ पे आएगा, जब ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देगा जो कि आपकी ईमेल आईडी की होगी। तो यानी कि अगर इस पेज के थ्रू वो गया हुआ है इसका मतलब कि सेशन की वैल्यू है, अगर इस पेज के थ्रू नहीं गया है इसका मतलब सेशन की वैल्यू नल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट
लॉगिन पेज है ना, यानी कस्टमर लॉगिन है, कस्टमर लॉगिन डॉट ए एस पी एक्स, ठीक है ना। लेकिन अगर इस पेज के थ्रू नहीं गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ओके है, मैं चाहिए कि मुझे चाहिए कि मेरी सारी वैल्यूज़ मेरी शो कर दे, तो मुझे एक फॉर्म वहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा और पेज के लोड पे हमें उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस एल्स वाले पार्ट को अभी मैं आपको बताता हूँ, एक मेथड मुझे बनाना पड़ेगा सर्च के लिए जिसमें मैं आपको उसकी वैल्यू को सर्च करके दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी दोबारा से इस पेज को खोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि मेरे पास कस्टमर होम है इस टाइम पे, जो मैंने अभी भी किया था आपके पास में साथ में। अभी राइट क्लिक करके देखो, मैं खोलने की कोशिश करता हूँ व्यू इन अ ब्राउज़र, क्या होता है। ये आया कस्टमर होम तो आया, यूआरएल तो दिख रहा है मुझे, लेकिन यूआरएल दिखते ही क्या किया उसने, लोड पे गया और लोड पे आया उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन उसको सेटिस्फाइड नहीं मिली और सीधा वो आ गया आपके पास को, आपको कहाँ पे उसने सेंड कर दिया, लॉगिन पे। वो कहता है पहले लॉगिन करो फिर मैं वो दिखाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं दिखाऊंगा। जैसा कि आपके फेसबुक के लॉगिन पे लगा होता है, होम पे लगा होता है, या जीमेल के होम पे लगा होता है, जो कंडीशन वो वही कंडीशन है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मेरे पास में एक। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र यहाँ से लॉगिन करे उसी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मुझे पॉपअप करके शो करे एज इट इज़ जो था। तो मैं चाहता हूँ और वहाँ पे चाहता हूँ कि वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन, वो कस्टमर की अपनी इन्फॉर्मेशन वो अपडेट भी कर सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके डिज़ाइन पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे एक पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल में देखो मेरे को कस्टमर में क्या क्या चाहिए था, कितने फील्ड्स थे हमारे पास में, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नेम, 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं मेरे पास। तो मुझे यहाँ पे 8 ले लेता हूँ मैं, 8 3, ठीक है, ओके कर दिया। टेबल को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा अरेंज किया, सेंटर में जस्टिफाई की, क्या है उसकी ईमेल आईडी है, मैं कस्टमर आईडी है ना, फर्स्ट कस्टमर आईडी, देन उसके बाद नेम था, नेम के बाद क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, ईमेल, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड मतलब, और उसके बाद उसका क्या है, मोबाइल नंबर। मतलब ये इन्फॉर्मेशन वो है, अगर वो चाहेगा तो वो लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकता है, ताकि यूज़र जो है, कोई जो यूज़र आए यहाँ पे, मान लो उसको कल की डेट में डिलीवरी एड्रेस चेंज करनी है, तो वो डिलीवरी एड्रेस यहाँ से चेंज कर सके। मैं यहाँ पे ऐसे उन्होंने कॉपी कर लिया है टेक्स्ट बॉक्स को और मैं पेस्ट कर रहा हूँ सब में। तो मेरे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस भी हो गए, अब मैं चाहता हूँ अपडेट हो जाए यहाँ से। तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक और बटन ले लेता हूँ, BTN अपडेट, और यहाँ पे देते हैं अपडेट, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को भी चेंज कर दूँ, TXT, CID, TXT, नेम, TXT, एड फॉर एड्रेस, TXT, ईमेल, TXT, PWD, पासवर्ड, TXT, MOB, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं चाहता हूँ जो भी बंदा लॉगिन करेगा, जो कस्टमर लॉगिन करे, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर जाए। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे लॉगआउट का बना दूँ, अगर वो लॉगआउट पे क्लिक करे तो वो सीधा का सीधा यहाँ से बाहर चला जाए। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिंक ले लेते हैं, लिंक बटन, लॉगआउट के लिए लिंक बटन ले लिया, उसकी प्रॉपर्टी में गए, उसकी आईडी कर दी BTN
लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। और लॉग आउट में क्या करेंगे, लॉग आउट पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो क्या करे, सेशन को रिमूव कर दे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेशन डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है मुझे, जो मैंने बनाया था ई आई डी, है ना। और उसके बाद वो किस पेज पे भेज देगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, पेज का नाम क्या था, कस्टमर लॉगिन डॉट ए एस पी एक्स, ठीक है। ये मेरा लॉग, मेरी लॉगआउट की कोडिंग हो गई यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो पहले तो पॉपअप करना है कि जो यूज़र लॉगिन कर रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पॉपअप हो जाए। और मुझे किसके भी यहाँ पे पॉपअप कराना है, तो ई आई डी के भी यहाँ पे कराना है। तो ई आई डी मैंने सेशन में भेज दिया है। अब मैं कस्टमर होम पे आता हूँ, जो मेरे एल्स की कोडिंग रह गई थी, एल्स वाली। अब इसके बाद मुझे कनेक्शन की कोडिंग भी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो दो नेम स्पेसेस मैं पहले कॉल कर लेता हूँ, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्यू एल क्लाइंट, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन की कोडिंग ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे चाहिए ई आई डी के भी यहाँ पे सारा का सारा डेटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू लिखा मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, वेयर वेयर क्या, कस्ट आई डी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, कस्ट आई डी किस में जा रहा है, सेशन के ई आई डी के अंदर जा रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से वेरीफाई कर चुका हूँ कि अगर वो ई आई डी अगर ब्लैंक है तो वो आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो ई आई डी अगर ब्लैंक नहीं है तभी इस ब्लॉक में आएगा, राइट। तो क्या कह रहा है वो, कि आपके कस्टमर के ईमेल आईडी को, ईमेल आईडी के भी यहाँ पे आपके पूरी रो को सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी मतलब उसका प्राइमरी की, ये वाला सॉरी ईमेल आईडी के भी यहाँ पे कर रहा था ना मैं, ईमेल आईडी हमारा क्या है, ये है ईमेल। आप चाहो तो कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे भी कर सकते हो, और चाहो तो ईमेल आईडी के भी आप पे कर सकते हो, क्योंकि ईमेल आईडी हो सकता है कस्टमर का एक से ज़्यादा हो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कस्ट आईडी को ही ले लेते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, या तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आ रहा है, मतलब आपने डीआर तो खोला ही हुआ है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सी आईडी कस्टमर आईडी, और इसके जगह पे हम ले लेते हैं डीआर का ज़ीरो वाला कॉलम, वन ज़ीरो मतलब डॉट टू स्ट्रिंग। वैसे आप चाहो तो ईमेल आईडी के भी यहाँ पे भी करा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ीरो मतलब कौन सा कॉलम हो गया, फर्स्ट वाला कॉलम, ये वाला। तो मैं कस्टमर आईडी को मैंने डीआर से यहाँ से पिक कर लिया, और मैंने सी आईडी में भेज दी। सी आईडी मेरा यहाँ पे आ गया, सी आईडी मेरा आ गया, यानी कि मैं इसको जो वेरीफ़ाई करूँगा, मैं यहाँ से सी आईडी से वेरीफ़ाई कर देता हूँ कस्टमर आईडी से। अगर कस्टमर आईडी नॉट नल है तो ये खुल जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, कस्टमर आईडी के बिहाब पे उसके पूरे इंटायर रो को उठा लेगा। तो कस्टमर आईडी के बिहाब पे, सी आईडी के बिहाब पे पूरे रो को वो पिक कर लेगा। तो मुझे अब क्या चाहिए, यहाँ पे कमांड चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस क्यू एल कमांड सी एम डी इक्वल्स टू न्यू एस क्यू एल कमांड। अब उस कमांड में हमने पास कर दिया एस टी आर और कॉन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन को भी चेक करना पड़ेगा आपको। इफ़ कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू, अगर कनेक्शन का स्टेट अगर क्लोज है तो क्या हो जाए, कॉन डॉट ओपन, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, एस क्यू एल डाटा रीडर डी आर इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट, सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर,
ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाना पड़ेगा, वाइल डीआर डॉट रीड, अगर डीआर रीड कर रहा है तो उस केस में क्या करेगा वो, अगर डीआर रीड कर रहा है तो सारी वैल्यू पॉपअप कर देगा, क्योंकि ऊपर कंडीशन तो मैंने ऊपर लगाया हुआ है इसके साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि टीएक्सटी जो मेरा वो है सीआईडी कस्टमर आईडी है डॉट टेक्स्ट, उसमें क्या आना चाहिए, उसमें डीआर का जीरो आ जाए, जीरो मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग है ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो उसी हिसाब से आ जाए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट 3, 4, 5 थे ना उसमें, या 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स हैं, तो 0, 2 क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 हो गया, 0 के बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी के बाद क्या था, कस्टमर का नेम था एन ए एम ई, आप चाहो तो कंट्रोल स्पेस बार से भी कॉल कर सकते हो। कस्टमर नेम के बाद क्या था, एड्रेस ए डबल डी था एड्रेस के लिए, एड्रेस के बाद क्या था ईमेल, ईमेल ईमेल के बाद था पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड के बाद क्या मोबाइल नंबर, पासवर्ड के बाद क्या था मोबाइल नंबर, ये हो गया, ये हो गया आपका। होने के बाद क्या करने हैं, अब मुझे क्या करना है कि डीआर के बाद डीआर को क्लोज करना होगा, डीआर डॉट क्लोज, डीआर डॉट क्लोज ठीक है। डीआर को क्लोज करने के बाद, डीआर क्लोज करने के बाद कनेक्शन भी क्लोज कर दो, कॉन डॉट क्लोज। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब ये क्लोज करना है ना आपको, तो ये आपको वाइल के बाद करना है, कभी ऐसा ना करना कि वाइल के अंदर कर दोगे तो एक ही बार लूप चलेगा फिर वो बंद हो जाएगा। तो ये हमने कंडीशन पेज के लोड पे कर दिया कि अगर सीआईडी मैच नहीं कर, सीआईडी नल है, पेज पहली बार खुला और सीआईडी नल है तो वो भेज देगा, अदरवाइज़ वो सारी इन्फॉर्मेशन पॉपअप कर देगा। करके देखें एक बार, मेरे पास है ajit@gmail.com जो कि ईमेल आईडी है कस्टमर की, और उसका एक पासवर्ड है, उसके हिसाब से मैं लॉगिन करके देखता हूँ। लॉगिन के बाद फिर मैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन पॉपअप होगी वहाँ पे मैं अपडेट कर सकूँगा। तो देखो मेरे पास में अजीत वाली इन्फॉर्मेशन थी, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ तो इनवैलिड शो कर रहा है, 111 लॉगिन यस। अब देखो यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, मेरी ईमेल आई, मेरा कस्टमर आईडी, नेम, सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ पे अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ ठीक है। और मैं लॉगआउट पे क्लिक करूँगा तो सीधा मैं बाहर चला जाऊँगा, सेशन मेरा ऑफ हो जाएगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगआउट करता हूँ, देखो सेशन ऑफ हो गया ठीक है। अब देखो मैं बैक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पे सेशन एनेबल फॉल्स हो चुका है। अब मैं अपडेट की कोडिंग करता हूँ इसमें कि अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं वापस आता हूँ होम पे, अपडेट पे जाते हैं, अपडेट में मुझे सारे फील्ड चाहिए, ये सारे कॉलम्स मुझे चाहिए अपडेट में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैलिडेशंस लगाऊँगा कि अगर मेरा कस्टमर आईडी की वैल्यू अगर नल होती है, कस्टमर आईडी नहीं होती है तो वो नहीं होगा। तो txt मेरा cid.text अगर नल होता है, इक्वल्स टू नल होता है तो वो नहीं करेगा। वैसे तो नल होगा नहीं क्योंकि मैं पीछे वाले पेज से इसको पोस्ट कर रहा हूँ, तो इस वैलिडेशन को लगाने का कोई काम नहीं है, मुझे सीधा अपडेट की कोडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रिंग str एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें मैं अपडेट की क्वेरीज पास करूँगा। क्या करूँगा मैं, अपडेट किसको अपडेट करना है मुझे, कस्टमर को। तो अपडेट कस्टमर सेट
सेट किया सी नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस सी नेम की जो वैल्यू जा रही है वो किस में जा रही है, नेम में जा रही है, डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है, प्लस सॉरी एक मिनट, सिंटैक्स कहीं रॉन्ग ना हो जाए चेक कर लेते हैं एक बार। ये आ गया, तो ये आ गया आपकी पहली कॉलम आ गई यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर कॉमा, सेकंड कॉलम क्या था, कस्टमर नेम के बाद सी नेम के बाद देखो क्या है, सी एड्रेस, तो यहाँ लिखेंगे सी एड्रेस इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस सी एड्रेस का वैल्यू क्या है, ए डबल डी में जा रहा था, डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा, फिर क्या था सी एड्रेस के बाद, सी ईमेल, सी ईमेल डॉट सॉरी ईमेल इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस ईमेल की वैल्यू किस में जा रही है, टीएक्सटी ईमेल के अंदर में डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा, उसके बाद ईमेल के बाद क्या था, पासवर्ड, सी पासवर्ड, राइट, सी पासवर्ड, पूरा जहाँ जैसे कॉलम है वैसे एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे, प्लस और टी एक्स टी पासवर्ड डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा, अब उसके बाद जो है लास्ट कॉलम जो है वो क्या है, मोबाइल, सी मोबाइल, ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सी मोबाइल इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस टी एक्स टी मोबाइल डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है, और वापस जो है मेरा डबल कोट्स आ जाएगा और डबल कोट्स के बाद सेमी कॉलन आ जाएगा, तो ये मेरी सारी हो गई जो मेरी क्वेरीज थी। आप चाहो तो आप इस क्वेरीज को इस तरह से अरेंज कर सकते हो ताकि आप प्रॉपर ढंग से चेक कर पाओ कि कुछ ऐसा पार्ट आपका रह तो नहीं गया, हाँ रह गया ना मेरा, अभी वेयर का क्लाउज रह गया ना इसके अंदर में, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे वेयर, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, और उसके बाद प्लस ये आ गया, यहाँ पे लगाएंगे वेयर, वेयर क्या, वेयर सी आई डी कस्टमर सॉरी कस्टमर आई डी था क्या था, यस कस्ट आई डी, वेयर कस्ट आई डी कस्ट अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस उसकी वैल्यू किस में जा रही है, टी एक्स टी कस्टमर आई डी के अंदर जा रही है, ठीक है ना, सी आई डी के अंदर डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है, तो ये पूरी तुम्हारी क्वेरी हो गई, तुमने अपडेट किया कस्टमर टेबल के अंदर में सी नेम, फिर एड्रेस, एड्रेस एड्रेस के बाद ईमेल, ईमेल के बाद सी पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, किसके लिए, कस्टमर आईडी के बिहाफ पे, यानी कस्टमर आईडी के बिहाफ पे तुमने ये सारे फील्ड्स को अपडेट कर दिए हैं, कस्ट आईडी, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कमांड की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ लेता हूँ SQL कमांड CMD equals to न्यू SQL कमांड, और कमांड के बाद मैंने पास कर दिया STR और यहाँ पास कर दिया मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन, उसके बाद मैंने यहाँ पे कनेक्शन को चेक कराया, इफ़ कॉन का स्टेट क्या है, कॉन डॉट स्टेट, कॉन का स्टेट अगर इक्वल्स टू होता है क्या, कनेक्शन स्टेट अगर क्लोज होता है तो क्या करेंगे, कॉन को क्या करेंगे, कॉन डॉट ओपन, ठीक है, कौन को ओपन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, CMD को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे नॉन क्वेरी से, क्यों, क्योंकि ये DML स्टेटमेंट है, ठीक है, वापस हम कौन को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, कनेक्शन क्लोज, और चाहो तो यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हो कि आपका डेटा अपडेटेड हो चुका है, तो मैसेज के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, स्ट्रिप को कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे उसे शो करा देता हूँ।
डेटा अपडेटेड है ना, योर डेटा अपडेटेड इस तरह से मैसेज दिखा देगा, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं। अब जैसे इस केस में मेरा तो पासवर्ड था वो ajit@gmail.com, वो तो ईमेल आईडी मेरी थी। अब मैं चाहूँ तो अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कस्टमर आईडी मेरा जो है यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है। तो मैं यहाँ से भी लॉगिन कर रहा हूँ। अभी मेरा इस टाइम पे पासवर्ड है 111, ठीक है। अब मैं 111 के भी यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन कर गया मैं 111, मैं इसको जाके यहाँ पे कर देता हूँ अपना पासवर्ड 222। मुझे एड्रेस चेंज करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 21 मॉडल टाउन, और मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, डेटा अपडेटेड। तो मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी में देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है कस्टमर, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। मेरा पासवर्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है, मेरा एड्रेस अपडेट हो चुका है। अब मैं चाहूँ यहाँ से लॉग आउट करूँगा। अब मैं यहाँ चाहूँगा 111 से मैं लॉग इन नहीं कर सकता, अब ये इनवैलिड शो करेगा। मुझे क्या करना होगा, मेरा पासवर्ड होगा 222। अब मैं यहाँ से लॉग इन करूँगा तब मेरा 222, देखो पासवर्ड यहाँ दिखा रहा है, दोबारा से अपडेट के लिए मैसेज आ रहा है कि अब आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, एडमिन पैनल और यहाँ पे कस्टमर का पैनल, ये दो पैनल मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो आप एक बार इसे ट्राई करोगे, इसके बाद एक इसका पेज और होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको अपलोड करने की, जिसके अंदर में आप जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया है उस प्रोडक्ट को एक वेबसाइट मॉड्यूल के थ्रू हम उसको प्रोडक्ट को शो करेंगे, उसको कार्ट करेंगे, और जो कार्ट की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम इस कस्टमर वाले पैनल में शो करेंगे, और जो कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम चाहेंगे तो एडमिन वाले पैनल में भी शो करेंगे, ताकि एडमिन उस पैनल से किसी भी कस्टमर को अपडेट कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।